पेश होगा हरियाणा सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड। जाने माने और दिग्गज पत्रकार देंगे सरकार के काम को नंबर। देखिए खट्टर सरकार का रिपोर्ट कार्ड 26 अक्टूबर को शाम 7:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। खट्टर सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर विशेषज्ञ करेंगे चर्चा। अलग अलग क्षेत्रों के 10 विशेषज्ञ करेंगे सरकार के काम का आकलन। देखिए खट्टर सरकार के एक साल की अग्नि परीक्षा। बड़ी बहस स्पेशल 26 अक्टूबर को रात 8 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। पेश होगा हरियाणा सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड। जाने माने और दिग्गज पत्रकार देंगे सरकार के काम को नंबर। देखिए खट्टर सरकार का रिपोर्ट कार्ड। पेश होगा हरियाणा सरकार के एक साल का रिपोर्ट कार्ड। जाने माने और दिग्गज पत्रकार देंगे सरकार के काम को नंबर। देखिए खट्टर सरकार का। नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आज हरियाणा सरकार को बने हुए एक साल पूरा हो गया। इस एक साल में हमने पहले सबसे पहले आपको दिखाया पूरे प्रदेश का मूड, यानी हरियाणा का मूड क्या है। अतुल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने भी बताया कि किस तरह से हरियाणा की जनता एक साल बाद क्या कुछ सोच रही है। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग बरसों से हरियाणा को देख रहे हैं, यहां की सियासत को देख रहे हैं। कई सरकारें उन्होंने देखी, बेहद करीब से उन सरकारों के साथ काम किया, जो हरियाणा की धरती से वाकिफ है, यहां की संस्कृति से वाकिफ है और यहां के राजनीतिक मिजाज से भी वाकिफ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के उन वरिष्ठ पत्रकारों की जो प्रदेश की सियासी बयार किस तरफ बह रही है इस बात को पलक झपकते ही समझ लेते हैं। तो आज अब बारी है उन तमाम पत्रकारों से यह पूछने की कि साहब एक साल की इस खट्टर सरकार को, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार को, वो अब किस तरह से देखते हैं, कितने नंबर वो देते हैं। हम एक एक करके, हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, पहले मैं उनसे आपको रूबरू करवा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यशवीर कादियान साहब यहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ द्रास बिहारी जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कमल कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी सालों से हरियाणा देख रहे हैं। कमल जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार बलवंत तक्षक साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस पूरी चर्चा में, और केवी पंडित जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ सुभाष शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस पूरी चर्चा में। बल्कि ये चर्चा नहीं, ये रिपोर्ट कार्ड है। अब हम एक एक करके यहां पर मंच पे बुलाएंगे और जानेंगे कि किस क्षेत्र में कौन वरिष्ठ पत्रकार कितने अंक दे रहा है सरकार को। सबसे पहले मैं यशवीर कादियान साहब को बुलाऊंगा। यशवीर जी यहां पर आए और बताएं कि मनोहर सरकार को वो कितने नंबर देते हैं। यशवीर जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर प्ले किया जाए यशवीर जी की मार्किंग कि कितने नंबर कानून व्यवस्था पर सरकार को दे रहे हैं। बिल्कुल यशवीर जी, अभी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे कि आपने जो मार्किंग दी है वो क्या मार्किंग है। ये देख सकते हैं यशवीर कादियान साहब का ये रिपोर्ट कार्ड है जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब देखते हैं कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कितने नंबर कादियान साहब ने दिए हैं। जी हाँ, अब एक एक करके आप देखिए। यशवीर जी, कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, आपने 5 नंबर दिए हैं कानून व्यवस्था में 10 में से। क्या माना जाए कि क्यों 10 में से 5 नंबर आप दे रहे हैं यशवीर जी? कोई जी, कानून व्यवस्था ही नहीं, जितने भी विषय हैं जिनके ऊपर हमने चर्चा करनी है जी, उनको सबको अगर एक ओवरऑल एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जी, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पहला ये मौका था विधानसभा का चुनाव लड़ने का, उसमें वो सफल हुए, विधायक बने जी, और उसके बाद विधायक बनते ही वो मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसा चमत्कार कभी कभी होता है और किसी किसी की किस्मत में इस तरह का राजयोग होता है कि वो पहली दफा चुनाव लड़े, विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे आसीन हो जाए। तो मेरा कहने का आशय ये है कि चूंकि उनको प्रशासकीय अनुभव नहीं है, प्रशासकीय अनुभव के मामले में वो कच्चे हैं, और हरियाणा सरकार या कोई भी सरकार चलाना वो खालाजी का बाड़ा नहीं है, कई तरह की चुनौतियां हर मुख्यमंत्री और दूसरे लोगों को झेलनी पड़ती हैं। तो इसीलिए मैंने जिन परिस्थितियों में
मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने एक साल सरकार चलाई, उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उनको 5 नंबर कानून व्यवस्था के मुद्दे पे दिया। बिल्कुल, मैं चाहूंगा यशवीर जी, बाकी आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार, इन तमाम 4 सेक्टर में बारी बारी से हम स्क्रीन पर दिखाएं कि इन तमाम सेक्टर्स में कितने नंबर दिए। देखिए यशवीर कादियान साहब का रिपोर्ट कार्ड कानून व्यवस्था में 10 में से 5 नंबर, अब देखते हैं शिक्षा में कितने नंबर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अब शिक्षा के क्षेत्र में भी 10 में से 5 नंबर। अगला, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने नंबर दे रहे हैं कादियान साहब, इनका रिपोर्ट कार्ड, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। शिक्षा पर 5 नंबर, स्वास्थ्य में कितने नंबर, तो स्वास्थ्य में भी 5 नंबर। कृषि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है, कृषि क्षेत्र में कितने नंबर देते हैं इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और कृषि के क्षेत्र में यशवीर कादियान साहब ने 5 नंबर इस सरकार को दिए। रोजगार की बात कर लेते हैं, बेहद महत्वपूर्ण फ्रंट रोजगार, युवाओं से जुड़ा हुआ मसला, कितने नंबर रोजगार के फ्रंट पर दिए हैं यशवीर कादियान साहब ने। कादियान साहब ने इसमें भी 5 नंबर दिए। कादियान साहब, कानून व्यवस्था में 5, शिक्षा में 5, स्वास्थ्य में 5, कृषि में 5, रोजगार में 5, मतलब साहब ये 36 का आंकड़ा तो हमने सुना था, ये 5 का आंकड़ा कौन सा हो गया? जी जी रोहित, उसकी एक वजह ये है कि मैं काफी आशावादी हूँ और ज्यादा अभी सरकार को नेगेटिव मार्किंग देना या बहुत ये कहना कि सरकार ने बिल्कुल कुछ काम नहीं किया है, तो मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है कि सरकार का जो एक साल है काफ़ी कुछ, जैसे वो उस दिन कह भी रहे थे मुख्यमंत्री जी के शुरुआती जो 6 महीने हैं वो तो अधिकारियों के नाम जानने में ही लग जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जो शुरुआती 6 महीने थे वो तो मैं जो संजीव कौशल जो उनके प्रधान सचिव हैं उनको बुलाना होता तो मैं राजेश कुलर कह देता था जो कि विशेष प्रधान सचिव हैं, और जब उनको बुलाना होता था तो मैं संजीव कौशल कह देता था। तो इस सारी उसमें ही 6 महीने गुजर गए। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि सरकार ने कुछ एक सुधार के काम किए हैं, कोशिश की है, एक कुछ मामलों में प्रोएक्टिव गवर्नमेंट का रोल किया है। मिसाल के तौर पर जो किसानों को जो मुआवजा दिया वो मुझे लगता है कि सरकार ने एक मुस्तैदी दिखाई, चुस्ती दिखाई। जी, यानी आप 50-50 में रख रहे हैं कि 50% अंक आप सरकार को। आगे देखते हैं खेल के क्षेत्र में कादियान साहब ने कितने नंबर दिए हैं, खेल उद्योग, मैं चाहूंगा बारी बारी से हम इसमें इसे भी देख लें, खेल के क्षेत्र में कितने नंबर दिए हैं कादियान साहब ने अपने रिपोर्ट कार्ड में 10 में से 5। उद्योग और बुनियादी सुविधाओं पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि खेल की खेल नीति सरकार लेकर आई, उद्योग की बात करें उद्योग नीति सरकार लेकर आई, ये उद्योग में भी 10 में से 5 नंबर, ये 5 का आंकड़ा कादियान साहब का है खट्टर सरकार के लिए, 36 का नहीं है। बुनियादी सुविधाओं की बात करें, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, इसे भी एक नजर डाल लेते हैं कि बुनियादी सुविधाओं में कितने नंबर देते हैं कादियान साहब। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, बुनियादी सुविधाओं में मौजूदा सरकार को 10 में से 5, और प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी अभियान भी हम जोड़ लेते हैं, 10 में से कितने नंबर देते हैं प्रशासन, बुनियादी सुविधाओं में 10 में से 5, प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो एक नजर उस पर भी 5 नंबर इसमें भी दे रहे हैं यशवीर कादियान साहब। कादियान साहब, आपने खेल उद्योग बुनियादी सुविधाएं प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी अभियान, इसमें भी 5 नंबर, इस पर मैं चाहूंगा संक्षेप अपनी बात जरूर। जी रोहित जी, इसकी एक वजह यह है कि आप देखें कि हरियाणा सरकार जो सबसे पहले जो नीति लेके आई वो खेल नीति लेके आई जी, और उसमें जो जो प्रोएक्टिव जो मंत्री हैं उनका भी रोल रहा, और जो खेल विभाग के जो प्रशासकीय सचिव हैं डॉक्टर के खंडेलवाल, वो भी उनका भी एक रोल रहा। इसी तरह से अगर हम उद्योग नीति की बात करें तो हरियाणा सरकार उद्योग नीति भी लेके आई है, तो एक साल के अंदर अंदर जो बड़ी जो नीतियां हैं जिनकी सरकार एक तरह से अपनी पीठ थपथपा सकती है, तो उसमें दूसरी उद्योग नीति है। अब ये देखना होगा कि इन नीतियों का क्या परिणाम रहता है ग्राउंड पे, कितनी वो कारगर रहती हैं नहीं रहती हैं, क्या उसमें निवेश आता है या ये सिर्फ वादे वादे रह जाते हैं, वो वक्त बताएगा। जी रोहित, तो कादियान साहब क्या कहें, 10 में से 5 नंबर यानी पासिंग मार्क्स से तो ऊपर आप देते हैं। जी जी जी, यानी 50% मार्क्स है सरकार। जी जी जी, यानी अभी बहुत उम्मीदें बाकी हैं सरकार से कुल मिलाकर कहा जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आशान्वित हूँ कि सरकार आने वाले 4 साल में काफी सुधार करेगी। बिल्कुल यशवीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए। यशवीर कादियान साहब का रिपोर्ट कार्ड आपने सुना। अब हम अगले जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे इस पैनल के, उनको मैं बुलाना चाहूंगा, रास बिहारी साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं। रास बिहारी जी, मैं चाहूंगा कि आप इधर मंच पर आएं और रास बिहारी साहब का रिपोर्ट कार्ड भी देख लेते हैं, सरकार को लेकर क्या रिपोर्ट कार्ड रास बिहारी साहब ने दिया है। कानून व्यवस्था पहला ही फ्रंट की अगर बात करें तो आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। तो कानून व्यवस्था में 4 इन्होंने नंबर दिए हैं, 4 नंबर दिए, माफी चाहूंगा, 10 में से 4 नंबर। शिक्षा की बात भी कर लेते हैं, कानून व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा में कितने नंबर दिए हैं।
कानून व्यवस्था में 4 नंबर और शिक्षा में अगर देखें तो यह आंकड़ा पहुंच रहा है राज बिहारी साहब के रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें 5 नंबर। राज बिहारी साहब, कानून व्यवस्था 4, शिक्षा भी 4, कादियान साहब 5-5 दे रहे हैं, आप 4-4 पर आए, सब क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था और शिक्षा में 4-4 नंबर क्यों 10 में से? देखिए, सरकार बनने के बाद में कानून व्यवस्था में जो बदलाव आना चाहिए था जी, खासतौर पर जब हम बात करते हैं कि बड़े ईमानदार मुख्यमंत्री हैं तो वो ईमानदारी नीचे तक आनी चाहिए थी जी। मैं कानून व्यवस्था में सुधार उस दिन मानूंगा हरियाणा में जब कोई भी गाड़ी बिना कानून के ना चले जी, और अगर बिना कानून के चलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जी, और पुलिस वाला अगर कोई गलती करता है उसे पैसे ना ले बल्कि चालान करे जी। हरियाणा में भी आप कहीं जाएंगे तो मैं देख कर हैरान होता हूँ कि बड़े बड़े ट्रक बिना नंबर प्लेट के चलते हैं जी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो चाहे पुलिस हो, उनको पकड़ने में नाकाम मैं शब्द नहीं यूज करूँगा कि वो उनके सामने बड़ी बोनी साबित होती है जी। कि बड़ी बड़ी सड़कों पे, हाईवे पे जब बड़े बड़े डंपर चलते हैं, बिना नंबर के डंपर चलते हैं, आदमियों को मार के चले जाते हैं, वो पकड़ में नहीं आते, तो ऐसे में पुलिस क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? और जो पहले लूट थी जी, जो थानों में पहले लूट थी वो आज भी लूट जा रही है जी। तो ऐसे में कानून व्यवस्था को हम कैसे मान लें? और खासतौर पर जब हम ईमानदारी की बात करते हैं तो जब हम अफसर लगाते हैं जी, तो वो अफसर क्या काम कर रहा है? जो अफसर जो पहले भी जो बेईमान अफसर का काम, जो बेईमान अफसर जिनको पहले ये लोग बेईमान कहते थे, उन्हीं को आपने जिम्मेदारी सौंप, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी, तो इसका मतलब है कि आप ईमानदार अफसरों को तो साइडलाइन कर रहे हैं जी। और जो अफसर पहले ही जिनको आप बेईमान कहते थे, जब आप उनको ही जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तो ऐसे में हम ये कैसे मान लेंगे कि आप कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं? बिल्कुल। और शिक्षा में 4 नंबर क्या वजह मानूंगे? देखिए, शिक्षा में हालत यह है कि जब हरियाणा में एक इम्तिहान होते हैं तो नकल करने वालों की लंबी लंबी लाइन लगती है जी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब 77 में सरकार बनी थी देवीलाल की, तो एक राजा राम नाम के हरियाणा में शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए थे, और ये कहा जाता था कि उस समय जबकि हम एग्जाम दे रहे थे कि नकल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी जी, और सारे स्कूलों में ये कहा जाता था कि राजा राम से डरो। वो डर इस सरकार में बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो वो तो राम राज साहब, तो कलयुग चल रहा है। यही बात कह रहा हूँ कि शिक्षा में अध्यापकों की कमी जी, स्कूल नहीं है जी, स्कूल है तो वहाँ पर सुविधाएं नहीं है जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप हर स्कूल में शौचालय बनाओ। आप हरियाणा में आंकड़े देखो, खास तौर पे मैं लड़कियों के स्कूल की बात करता हूँ, वहाँ शौचालय अगर है तो सफाई नहीं होती जी। बात करें तो पूरे यहाँ पर हमारे पास में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। और खास तौर पे प्रधानमंत्री के जितने भी लड़कियों की चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे शौचालय बनाने के हो, सारी योजनाएं मुझे तो फेल दिखाई देती जी। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं राज बिहारी साहब का रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है, कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने नंबर वो देते हैं, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो 7 नंबर दे रहे हैं राज बिहारी जी, जिसे कहेंगे, मैं कहूंगा कि ये अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा मुझे दिख रहा है। कृषि के क्षेत्र की बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बाद। कृषि के क्षेत्र में इनका अगर रिपोर्ट कार्ड सरकार के लिए, 4 नंबर कृषि के क्षेत्र में दे रहे हैं। इसके अलावा रोजगार की अगर बात कर लेते हैं जल्दी से, तो रोजगार में कितने नंबर देते हैं इनका रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। 7 स्वास्थ्य में, 4 कृषि में। रोजगार की अगर बात करें तो रोजगार के क्षेत्र में ये महज 3 नंबर सरकार को दे रहे हैं। खेल और उद्योग पर भी एक नजर जल्दी से डाल लेते हैं। रोजगार में 4 नंबर, स्वास्थ्य में 7 नंबर, कृषि में 4 नंबर राज बिहारी साहब ने दिए हैं। खेल में 4 नंबर, माफी चाहूंगा, खेल में भी 3 नंबर। और अगला, बिल्कुल, अगर हम उद्योग की बात करें तो उद्योग के क्षेत्र में भी राज बिहारी साहब जो नंबर दे रहे हैं, इस वक्त जो आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध है और आपके स्क्रीन पर भी अगले चंद सेकंड में सामने होगा, उसमें भी 3 नंबर दे रहे हैं राज बिहारी साहब। राज बिहारी जी क्या कहेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में? 7, आप अनिल विज साहब पर कुछ ज्यादा मेहरबान दिख रहे हैं। नहीं, मेहरबानी की बात नहीं है। क्षेत्र में 4 साहब, क्या है कि, और वही विभाग अनिल विज साहब के पास, खेल में आप 3 नंबर दे रहे हैं। क्या है कि उनका जो ज्यादा जोर है वो स्वास्थ्य पे ज्यादा है जी, और जो खेलों में नीति बननी चाहिए कि जहाँ पर खिलाड़ी तैयार होते हैं उनके लिए कोई पुख्ता योजना नहीं बनाई गई है। हम 20 रुपये में कैसे खिलाड़ी तैयार करें? हम 20 रुपये रोज खिलाड़ी को खाने में देंगे तो कैसे वो दौड़ पाएगा, कैसे वो मुक्केबाज बन पाएगा, कैसे वो हॉकी खेलेंगे? जब तक हम पर्याप्त मात्रा में उनको फंड नहीं देंगे तो नए खिलाड़ी कैसे पैदा कर देंगे हम जी। दूसरा यह है कि जो स्कूलों में व्यवस्था है या जो खेल संस्थान है हरियाणा के,
वहाँ पर अभी भ्रष्टाचार व्याप्त है जी। ठीक है, मंत्री बहुत मेहनती हैं, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जो डर स्वास्थ्य विभाग में है वो उस तरह की हलचल खेल विभाग में नहीं दिखाई देती है जी। क्योंकि ये तो ठीक है कि भाई आपने स्वास्थ्य विभाग में एक दहशत पैदा कर दी कि मंत्री जी छापा मारेंगे, कुछ सस्पेंड कर देंगे, कुछ कार्रवाई वो की जाएगी, लेकिन जब आपको खिलाड़ी बनाने होते हैं तो उनके लिए ठीक है आपने खेल नीति बना दी, लेकिन खेल नीति को लागू करने में जो तेजी होनी चाहिए वो नहीं है, वो नहीं है। क्योंकि आप कितना भी शोर शराबा मचाएं, कितना भी आप वो ढेरों पीछे हैं, जब तक खिलाड़ी के पास में सुविधाएं नहीं होंगी, उस पर खेल का मैदान नहीं होगा, उसके पास में किट नहीं होगी, उसके पास में खाने की खुराक नहीं होगी, तो हम कैसे कोई मजबूत खिलाड़ी पैदा करें। एक आखिर में एक और बात, मैंने आपके जो पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता ने भी देखा, हमने भी देखा, राज बिहारी जी आपने प्रशासनिक व्यवस्था में दो नंबर दिए हैं आपने, ये किस तरह से, इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि ये बहुत निराशाजनक प्रदर्शन के लिहाज से मेरा मानना है कि जो प्रशासन व्यवस्था पहले थी जी उसी तरह की अब है जी। पहले जो सरकारें थी वहाँ पर MLA की भी चलती थी, मंत्री की भी चलती थी, आम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनकी भी वो चलती थी। अब हालत ये है कि कोई विधायक या कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री के पास जाता है कि ये अफसर बहुत अच्छा है तो इसको लगा दीजिए, तो उनका कहना है, मेरा नहीं कहना है, ये उन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वो MLA या कोई भी जनप्रतिनिधि पैसा खाकर उनसे सिफारिश करने आया। मान लो कोई MLA कहता है कि ये फलाना अफसर IAS अफसर है या IPS अफसर है, अगर इसको मेरे जिले में लगा देंगे तो बहुत अच्छा काम वो करेगा जी। और जो पूरा वहाँ का जो व्यवस्था है वो IAS अफसरों के हाथ में है जी। जो IAS अफसर चाहते हैं उसी तरह की मर्जी से लोग वो लगते हैं। हालत ये है कि अगर कोई BJP का MLA कहता है कि ये मेरे साथ में अच्छा काम कर सकता है तो इसको लगा दीजिए, उसको नहीं लगाया जाता। हालत ये है कि जो केंद्र के मंत्री हैं जी वो अगर सिफारिश करते हैं, जैसे मैं फरीदाबाद का बताता हूँ, फरीदाबाद के मंत्री हैं, नाम सबको पता ही होगा जी, वो फ़ोन करते हैं पुलिस कमिश्नर को, फोन नहीं उठाते। तो ऐसे में जब आप व्यवस्था जब सारा नियंत्रण आप अपने हाथ में ले लेंगे तो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में आपको बड़ी खामी नजर आती है। बिल्कुल आखिर में कितनी उम्मीदें अभी, क्योंकि अभी महज एक साल हुआ है, चार साल बाकी है, आशान्वित है, क्या कहेंगे आप? नहीं, आशान्वित तो होना ही चाहिए जी। और ये रिपोर्ट कार्ड भी इसलिए दिया गया है कि सरकार अपने में बदलाव लाए, परिवर्तन करे। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जिसको जनता वाह वाह करे, तब माना जाएगा कि हाँ सरकार ठीक काम कर रही है। जी राज बिहारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखा, आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब अगले जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है इस पैनल के, कमल कुमार जी से मेरा निवेदन है कि वो इधर आए, मंच पर आए और अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखे। कमल कुमार जी कितने नंबर देते हैं मैं चाहूंगा स्क्रीन पर दिखाए कि इनका रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कह रहा है। देखिए कमल कुमार जी के अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें, कानून व्यवस्था, अगर सबसे पहले हम देखें कानून व्यवस्था में कितने नंबर देते हैं, आप देखिए इनका रिपोर्ट कार्ड सामने है। कानून व्यवस्था में 2 नंबर ये दे रही हैं, शिक्षा में 3 नंबर ये दे रही हैं, और स्वास्थ्य की बात करें 3 नंबर, कृषि के क्षेत्र में 6 नंबर, यानी कानून, शिक्षा और स्वास्थ्य से ज्यादा नंबर कृषि के क्षेत्र में, और रोजगार में 6 नंबर, खेल में भी 6 नंबर। कमल जी आपसे सवाल मेरा ये कि कृषि, रोजगार और खेल में आपने 6-6 नंबर दिए, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था को आपने 2 और 3-3 नंबर दिए। कृषि में आपको क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रदेश में कुछ अच्छा हो रहा है? देखिए जो हरियाणा का जो आंकड़ा है जी उसमें उत्पादन बढ़ा है जी, और दूसरी बात यह है कि किसानों ने, किसी ने कोई आत्महत्या नहीं की जी, और जो उनकी जो जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं और वो अपने उत्पादन में अपने लगे हुए हैं, परिश्रम से अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे, वैसे भी हरियाणा में जो है ना, जो कृषि वो उनका एक क्षेत्र है जिसमें वो अच्छा करते हैं और अपने सुख से अपना जीते भी हैं, ये भी एक कारण है मुझे जी। और खेल में आप 6 नंबर दे रही है, आपको क्या लग रहा है कि बेहतर हुआ सरकार की नीतियों के लिहाज से, क्या खेल में कुछ अच्छा हुआ? देखिए ऐसा है कि वो बेहतर तो मैं नहीं समझती कि एक साल में हो सकता था, लेकिन जो चला आ रहा था उसमें हम अभी देखते हैं, अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे रेसलिंग का था या बॉक्सिंग का था या कुछ और ऐसे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि अच्छे प्रदर्शन किए जी, वो एक चली हरियाणा जाना जाता है अपने खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए जी, और अगर आप उसकी परंपरा में देखें और उनके अगर आप आंकड़े देखें तो
हरियाणा में बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वो आगे करेंगे इस उम्मीद से मैंने कहा कि जी चलिए, यानी खिलाड़ियों से उम्मीद है आपको, लेकिन सरकार की नीति मंत्रालय कैसा काम कर रहा है इस पर भी कई सवाल हैं। एक और बड़ा बुनियादी सा सवाल बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा हुआ, आपने बुनियादी सुविधाओं में 2 नंबर और प्रशासनिक व्यवस्था में आपने 2 नंबर दिए हैं जबकि सरकारी अभियान में आप 4 नंबर दे रहे हैं, आपको क्या लगता है प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसी क्या खामी? देखिए पहले मैं ये बताती हूँ कि बात यह है कि देखिए जो स्वास्थ्य का सवाल है जो बुनियादी हमारी चीज़ें हैं, आप देखिए वहाँ आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल बना देते हैं जो आम आदमी है वो उसी प्रकार से सरकारी अस्पतालों में धक्के खा रहा है और उसकी जो सेवाएं उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, तो आप उसको क्या करेंगे? दूसरी बात मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मानती हूँ कि वहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति है, देखिए वो सोच है हमारी हरियाणा की, मैं हरियाणा में पैदा हुई थी तो एक सोच है, जब तक अब जैसे स्त्रियों को लड़कियों को वो ज़्यादा उनको वो नहीं चाहते वो स्कूलों में जाएं या कॉलेज में जाएं बड़ी शिक्षा लें, लेकिन अब बेटी तो, बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है। ठीक है, ये मैं ये कहने जा रही थी आपसे, ये अभियान अच्छा है जी। और अभियान है अभी इस पर जो है, देखिए अभियान एक चीज़ है, नीति एक चीज़ है और उस पर जो है उसका कार्यान्वित होना दूसरी बात है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उसके लिए एक और ज़रूरी चीज़ है, वो सबसे जरूरी चीज़ है जागृति। एक एक जो जब तक उनमें जागृति नहीं आती उसमें आंदोलन नहीं बनता, वो जब तक उनके भीतर सकारात्मक तब तक सकारात्मक होना बहुत मुश्किल है। कौल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखने के लिए, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब आगे मैं वरिष्ठ पत्रकार बलवंत तक्षक साहब को मंच पर आमंत्रित करूंगा, बलवंत जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है इस पर भी नजर डालते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं बलवंत तक्षक साहब का रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है। अब देखिए कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को 10 में से 5 नंबर बलवंत जी दे रहे हैं, शिक्षा में 3 नंबर दे रहे हैं बलवंत जी, और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो दोबारा से 5 नंबर, कृषि के क्षेत्र में 4 नंबर और रोजगार में 2 नंबर। बलवंत जी शिक्षा में 3, रोजगार में 2, स्वास्थ्य में फिर आप 50-50 नंबर दे रहे हैं, क्या लगता है क्या इस रिपोर्ट कार्ड में जो आपने अंक दिए हैं क्या बन रहा है? देखिए रोहित, 1 साल हो गया है खट्टर सरकार को बने हुए जी, और 1 साल में लोगों को रोजगार मिला नहीं है, बल्कि जो पहले से रोजगार मिला हुआ था वो छीन लिया गया, करीब 24,000 लोग जो है वो नौकरी से बाहर कर दिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो लैब टेक्नीशियन थे, कंप्यूटर टीचर्स थे, एडहॉक टीचर्स थे जी, वो सब निकाल दिए गए और जब बड़ा आंदोलन चला उसके बाद उनको दोबारा से रखा गया। नई भर्तियां अभी तक हुई नहीं है, स्कूलों में 20,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, 9,545 के आसपास JBT टीचर भर्ती किए थे अंगूठे निशान और दस्तखत के नाम पर, 1 साल से वो जांच चल रही है, सरकार चाहे तो 5 दिन में 10 दिन में जांच पूरी हो सकती है जी। लेकिन स्कूलों में टीचर नहीं है, सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, कोई मिनिस्टर कोई MLA कोई अफसर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, इससे आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि शिक्षा की क्या स्थिति होगी। हरियाणवी बच्चे प्रतिस्पर्धा में देश के दूसरे स्टेट्स के बच्चों के मुकाबले में बहुत पिछड़ जाते हैं और इसकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं कि हम शिक्षा के स्तर में सुधार लाएंगे, लेकिन रिजल्ट जो है स्कूलों का वो 33-35% के आसपास है सरकारी स्कूल, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। रोजगार की जो 2 नंबर की बात थी, मैं कह रहा हूँ कि पोस्टें बहुत निकाली गई हैं जी, बिल्कुल 3 महीने पहले सरकार ने पोस्टें निकाली करीब 50,000 के आसपास और 3 महीने बाद उन्होंने जो उनके लिए फॉर्म भरने का काम है वो अब 21 अक्टूबर से शुरू हुआ है। नौकरियां 3 महीने पहले निकालेगी, फॉर्म 3 महीने बाद भरेंगे। पिछली सरकार की जितनी नौकरियां थी मौजूदा गवर्नमेंट ने किसी न किसी तरीके से उनको रोकने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम नहीं होना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी है NLO है, जब ये सरकार भर्तियां करनी शुरू करेगी किसी न किसी बहाने से वो कोर्ट में चले जाएंगे, तो ये लड़ाई इस ढंग की नहीं होनी चाहिए कि नौकरी हमने देनी है उसकी रोकनी है, तो ये वजह कि रोजगार में आप 2 नंबर, रोजगार मिला नहीं है अभी तक। जो रोजगार मिलेगा ईमानदारी से भर्तियां करने की बात है, अगर सरकार ईमानदारी से भर्ती करेगी तो सरकार के नंबर इस मामले में और बढ़ेंगे। बिल्कुल आगे देखते हैं तो खेल में बलवंत तक्षक जी ने 5 नंबर दिए हैं 10 में से, उद्योग में 10 में से 3 नंबर, बुनियादी सुविधाओं में 10 में से 4 नंबर, प्रशासनिक व्यवस्था में 10 में से 5 नंबर और सरकारी अभियान में 10 में से 6 नंबर। बलवंत जी विज साहब के लिए आप काफी दरिया दिल दिख रहे हैं अपना मार्किंग करते हुए, 5 नंबर आपने स्वास्थ्य में दिए और खेल की अगर बात करें तो खेल में भी 5 नंबर जी, तो क्या कहेंगे आपको लगा कि विज साहब का विभाग मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है? सरकार की जो खेल नीति थी मौजूदा सरकार ने उसी खेल नीति को आगे बढ़ाया जी। हरियाणा में अगर महिला खिलाड़ियों की बात करें तो इतने नाम है, गीता है, बबीता है, कृष्णा पूनिया है, ममता खरब है,
साइना नेहवाल है, मतलब इतनी लड़कियां देश में दुनिया में हरियाणा का नाम रोशन किया। वो हरियाणा सरकार हुड्डा सरकार पहली बार खेल नीति लेके आई थी, मौजूदा सरकार उस खेल नीति में थोड़ा सुधार किया है। और सुधार ये है कि पहले क्या था कि जो आदमी पदक जीत के आता था उसको DSP की पोस्ट दे देते थे, अब इन्होंने ये तय किया है, पद तय कर दिए हैं कि किस लेवल का पुरस्कार कोई जीतेगा तो उसको हम कौन सी नौकरी देंगे। और पिछली सरकार में सबको नौकरी मिले गारंटी नहीं थी, मौजूदा सरकार ने ये कर दिया है कि एक अच्छी बात। और इसमें एक अच्छी बात ये थी कि पिछली सरकार की खेल नीति बनाने वाले भी कृष्ण कुमार खंडेलवाल IAS अफसर थे, जो मुख्यमंत्री के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और अब वो खेल विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उसमें कुछ सुधार किया। बलवंत जी बिल्कुल संक्षेप में, सरकारी अभियान में आपने 10 में से 6 नंबर सरकार को दिए, जो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी मार्किंग सरकार के लिहाज से, और प्रशासनिक व्यवस्था में 5। बिल्कुल संक्षेप में चाहूंगा कि इस पर भी आप नजर जरूर डालें। आपको सरकारी अभियान जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था जी, प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि हरियाणा में लड़के और लड़कियों के बीच का रेशियो में बहुत अंतर है जी। तो पानीपत से उसकी शुरुआत की, और सामाजिक न्याय मंत्री जो कवि समाज कल्याण मंत्री हैं जो कविता जैन, वो भी महिला हैं, और उन्होंने ये कोशिश की थी कि किसी तरह लड़कियों की प्रतिशत बढ़े जी। और कन्या भ्रूण परीक्षण के खिलाफ बहुत अभियान चलाया गया और बहुत सारे लोगों को सजा हुई है। और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने आंकड़े दिए थे कि हरियाणा में लड़कियों की तादाद पहले की तुलना में एक साल में बढ़ी है, तो ये अच्छी बात है। लड़कियों की तादाद बढ़नी चाहिए, लड़कियां पढ़नी चाहिए, लड़कियां आगे बढ़नी चाहिए, इसीलिए मैंने उनको छोड़ा। बलवंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना रिपोर्ट कार्ड सामने रखने के लिए, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं आगे मंच पर आमंत्रित करूंगा KB पंडित जी को, वरिष्ठ पत्रकार है, कि आखिरकार उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। KB पंडित जी का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर। कानून व्यवस्था पर कितने नंबर सरकार को देख रहे हैं, देखते हैं 10 में से 5 नंबर कानून व्यवस्था में दे रहे हैं, और शिक्षा में 10 में से 6 नंबर KB पंडित जी दे रहे हैं सरकार को, जो अब तक की जिसे कहा जाए सबसे खुली मार्किंग है, बड़ी मार्किंग है 10 में से 6 नंबर। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 10 में से 6 नंबर, और कृषि में 5 नंबर, रोजगार में 4 नंबर। पंडित जी सबसे पहला तो सवाल ये कि शिक्षा को लेकर कई सवाल उठे, राज बिहारी जी ने भी अपनी बात कही, कादयान साहब ने भी बात की, बलवंत जी ने बात की, आपने शिक्षा के क्षेत्र में 10 में से 6 नंबर, क्या कहा जाए कि जमीनी स्तर पर कुछ हुआ या अभी योजनाओं से आप प्रभावित हुए मौजूदा सरकार की? मुख्य बात तो है कि योजनाओं से प्रभावित जी, सरकार की नीयत लगती है कुछ सुधार करे शिक्षा जी, तो मुख्यमंत्री भी हैं शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा मंत्री पहली बार नहीं बने, पहले बंसीलाल सरकार में भी शिक्षा मंत्री है जी, उनके पास अनुभव की कमी नहीं जी, और जिस तरह की वो घोषणाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री भी बार बार कर रहे हैं, उससे लगता है कि संभावनाएं अच्छी। पंडित अगर मेरी जानकारी गलत ना हो, शिक्षा मंत्री आपके साथ क्लासमेट भी रहे हैं, हाँ, कहीं ये वो स्नेह तो नहीं दिख रहा है मार्किंग में कि चलिए 6 नंबर दे देते हैं? स्नेह की बात नहीं है जी, इसमें वास्तविक स्थिति ये है, हरियाणा में जो शिक्षा का काम रहा जी, इसमें लगभग 1,20,000 के लगभग शिक्षक हैं जी, इसमें से काफी पोस्ट खाली पड़ी, बलवंत जी ने कहा, कादयान जी ने भी कहा जी, वो पोस्टें भरी नहीं गई जी, अगर वो भरी जाती तो कुछ रिजल्ट और दूसरे होते जी, और उसमें सरकार का फेलोर है ये मानना पड़ेगा जी, केवल शिक्षा में नहीं, सारी सारे रोजगार देने में जी, सरकार ने बलवंत जी ने ठीक कहा, रोजगार छीने ज्यादा हैं दिए कम जी, और आगे की संभावना अभी लगती नहीं जी, तो कहीं ना कहीं सरकार को रोजगार देने में जब उन्होंने पोस्ट अनाउंस कर दी, फार्म भरवाने शुरू कर दिए, तो ऐसी शिक्षा ऐसी पत्ती लानी चाहिए जो चयन पत्ती है, इसमें सरकार पर सवाल ना उठे और कोर्ट केसेस ना बने जी, पिछली सरकार के अनेक केसेस कोर्ट केसेस में हैं जी, और बलवंत जी कह रहे थे 9,000 से अधिक शिक्षक जी सेलेक्ट हो चुके, उनका टेस्ट हो रहा, अभी उन्होंने सही एग्जाम दिए नहीं दिए, उनका अंगूठा टेस्ट हो रहा, उनके हस्ताक्षर साइड टेस्ट हो रहे जी, तो इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए, साल भर चले जो। इसके अलावा पंडित जी अगर देखें तो खेल के, अगर देखें खेल में आपने 7 नंबर दिए हैं सरकार को 10 में से, उद्योग में 10 में से 5, बुनियादी सुविधाओं में 10 में से 5, प्रशासनिक व्यवस्था में 4, और सरकारी अभियान में 6। ये खेल में आपको 7 नंबर आपने दिए, क्या क्या वजह कि सरकार की खेल नीति या मंशा क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, सरकार की मंशा ठीक लगती है जी, खेल नीति में जो अनाउंसमेंट हुई है ये बात ठीक है, राज बिहारी जी ने कहा था कि जो नीचे से प्लेयर बनने हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिली जी, लेकिन जो बड़े खेल जीत कर आते हैं जी उनका शायद 3-4 गुना रुपया बढ़ाया गया जी, बड़े बड़े से बड़े खेल में ओलंपिक्स में जीत के स्वर्ण पदक लाते शायद उसका 5 या 6 करोड़ रुपया रखा,
जी, संक्षेप में पंडित जी, एक और सवाल बेहद महत्वपूर्ण, प्रशासनिक व्यवस्था में 10 में से 4 नंबर आपने लिए, आपको क्या लगता है, आपका भी एक लंबा अनुभव है हरियाणा का, प्रशासनिक व्यवस्था में किस तरह की पकड़? मेरा ये है, जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 20 को की जी, आपका विधानसभा क्षेत्र भी वही है जो मुख्यमंत्री तो उन्होंने एक बात स्वीकार की जी, उनसे पूछा गया था आपका प्रशासनिक अनुभव क्या है, उन्होंने पहले 0 था अब 1 साल का, इसका मतलब ये हुआ प्रशासन में जो कड़ाई, मैंने ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं अगर वो चंडीगढ़ से फोन करें जी डिप्टी कमिश्नर को SP को तो खड़े होकर अपनी सीट पर खड़े हो जाते थे वो जी, वहाँ जी मुख्यमंत्री चंडीगढ़ और एक्शन शुरू हो जाता था। अब मुख्यमंत्री की नरमी बहुत है जी, मुख्यमंत्री कितनी बार वार्निंग दे चुके अगर भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस होगी कार्रवाई होगी, कोई कार्रवाई नजर नहीं जी, लेकिन मंशा पर आपको कोई शक नहीं है? मंशा नहीं है, मुख्यमंत्री सज्जन आदमी है जी, राजनीतिक अनुभव नहीं है जी, वो करना चाहते हैं जैसा सरकार में अनेक घोषणाएं हुई हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल शेप देने में मुख्यमंत्री को कड़ाई से पालन करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो अगले साल रिजल्ट खराब है जी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। तो कुल मिलाकर ये पंडित जी का रिपोर्ट कार्ड था, और बड़ा सवाल ये कि मुख्यमंत्री की मंशा पर कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ मुख्यमंत्री महोदय ने अभी ये बात कही है हाल ही में कि अब उन्हें भी 1 साल का अनुभव हो गया है और अब अगले साल वो और ज्यादा एक्शन में दिखेंगे, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। अब आखिर में सुभाष शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा, सुभाष जी आप आए और उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है, सुभाष शर्मा जी का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। कानून व्यवस्था पर सुभाष जी ने 10 में से 7 नंबर दिए हैं, जो अब तक की सबसे अच्छी मार्किंग कहा जाए सरकार के लिए, शिक्षा में भी 10 में से 7 नंबर। रामविलास शर्मा जी खुश होंगे सुभाष जी, ये आंकड़ा जरूर देखकर, KV पंडित जी थे उनके क्लासमेट थे, उन्होंने 6 नंबर दिया, आपने तो 7 दे दिए उनको। और स्वास्थ्य की बात करें 6 नंबर, विज साहब की भी बल्ले बल्ले दिख रही है, और धनखड़ साहब का विभाग 7 नंबर उसमें दिख रहे हैं। ये दरियादली इसके पीछे वजह हम जानना चाहते हैं। देखिए, कानून व्यवस्था की जहां तक बात है, ये पहली बार हुआ है हरियाणा के अंदर कि हम रोज देखते थे, रोज अखबारों में पढ़ते थे, फला जगह कब्जे हो रहे हैं, फला जगह भूमि छीनी जा रही है। ये पिछले 1 साल में अगर आप अखबारें उठा के देख लो, और कम से कम जैसे हम फरीदाबाद जैसा और गुड़गांव जैसा बड़ा जिला है, वहाँ पर अक्सर ये रोज वारदातें होती थी जी। प्रशासन के अंदर कानून व्यवस्था बहुत खराब थी, 1 साल के अंदर ऐसी कोई वारदात कभी भी नजर नहीं आई। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसमें जो है लोगों को जो जान माल की जो सुरक्षा का जी जो था, खास करके उनकी संपत्ति की सुरक्षा, वो इसमें बहुत अहम है और बहुत अच्छा काम हुआ हरियाणा जी, इसलिए मैंने इनको 7 नंबर। इसके अलावा अगर खेल की बात करें तो आपने 8 नंबर दिए हैं 10 में से, उद्योग में 10 में से 7 नंबर दिए हैं, कैप्टन साहब को भी खुश होंगे ये आंकड़ा देखकर। बुनियादी सुविधाओं की बात करें 7 नंबर, प्रशासनिक व्यवस्था 8 नंबर, सरकारी अभियान 8। सब प्रशासनिक व्यवस्था में आपको लगता है कि बेहतर हुई है, 8 नंबर आपने दिए हैं और खेल में 8 नंबर। देखिए, खेल में इसलिए मैंने 8 नंबर दिए हैं कि खेल नीति हरियाणा की, वैसे तो मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ कि 10 साल वर्सेज 1 साल जी, आप हुड्डा सरकार का या पिछली सरकार के 10 साल का कार्यकाल और इस सरकार का 1 साल का कार्यकाल, अगर उसको आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर बहुत बेहतरीन काम हुआ है, जो 10 साल के मुकाबले में अगर आप रखें तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए इनको प्रोत्साहन देने के लिए, और काम भी धरती पे नज़र आ रहा है, सामने नज़र आ रहा है, इसलिए हम इनके 1 साल के कार्यकाल को नकार नहीं सकते और बिल्कुल इनके नंबर दिए गए हैं वो जायज़ दिए। तो आपने तो डिस्टिंक्शन दे दी, क्योंकि अगर आपका पूरा आंकड़ा जोड़ा जाए तो 70% चलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष शर्मा जी, आपने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, सुभाष जी का रिपोर्ट कार्ड भी आपने देखा। तो कुल मिलाकर जो प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों का रिपोर्ट कार्ड था वो हमने आपको दिखाया कि किस तरह की मार्किंग उन्होंने की। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और सरकार के 1 साल पूरा होने पर हमारी ये महा कवरेज जारी है। इस छोटे से ब्रेक के बाद पेश होगा हरियाणा सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड, जाने माने और दिग्गज पत्रकार देंगे सरकार के काम को नंबर, देखिए खट्टर सरकार का रिपोर्ट कार्ड। स्वागत है, और आज हम आपको दिखा रहे हैं महा कवरेज, क्योंकि हरियाणा सरकार को बने हुए 1 साल हो गया, 1 साल में सरकार की क्या उपलब्धियां रही, क्या विवाद रहे, आखिरकार किस तरह से आंके हम सरकार ने 1 साल में क्या कुछ किया। बिल्कुल, जनता जनार्दन का यह हक भी है कि वो अपनी चुनी हुई सरकार का आकलन करे, उससे जवाब मांगे और बताए कि साहब आपने ये वायदे किए थे, ये पूरे हुए, ये अधूरे रह गए। तो यही जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमने पहले आपको प्रदेश के जाने माने 6 वरिष्ठ पत्रकारों से रूबरू करवाया, और अब अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए 10 बड़ी हस्तियां हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनका रिपोर्ट कार्ड भी हम सामने रखेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिरकार 1 साल बाद हरियाणा हमारा
कहां पर खड़ा है, मैं एक बार आपको रूबरू करवा दूं। हमारे साथ रणबीर शर्मा जी मौजूद हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे। रणबीर जी आपका स्वागत है। रणबीर जी से भी जानेंगे कि कैसा रहा सरकार का एक साल का कार्यकाल। सर्वदानंद आर्य साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं, बड़े शिक्षाविद हैं, प्रदेश का जाने माने चेहरा। आर्य साहब आपका भी स्वागत है। डॉक्टर एसपी यादव साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं आईएमए के, उनसे भी हम बात करेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र की। डॉक्टर आर के पन्नू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, उनसे कृषि क्षेत्र की बारीकियां जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार ने क्या कुछ किया कृषि क्षेत्र में। इसके अलावा डॉक्टर डी आर अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जगदीश सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाना माना नाम हरियाणा का, कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को इन्होंने हरियाणा के लिए उकेरा, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिन्होंने चमक बिखेरी है। मनोज त्यागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उद्यमी हैं, इनका भी स्वागत है। और एसपी गुप्ता साहब पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, इनसे भी हम जानेंगे प्रदेश की नौकरशाही का हाल। और सर्वेश कुमार तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, समाजसेवी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ यशवीर कादियान साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राज बिहारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बलवंत तक्षक जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड भी आ रखा था। और केबी पंडित साहब भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अतुल, हम लगातार आज महा कवरेज दिखा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल रोहित, तो जिस तरीके से हमने देखा पिछले दो घंटे और कुछ और ज्यादा मिनट, अगर हम तो हमने तमाम चीजों को दिखाया। पांच सवालों से हमने शुरुआत की थी कि वो पांच अहम सवाल क्या थे, जिसमें वादे भी थे, उसके साथ साथ मंशा पर भी सवाल था, और एक साल का पूरा एक साल का जो कार्यकाल था उसको लेकर भी हमने सवाल पूछा। जी। जो जवाब आया वो वाकई सरकार के लिए बहुत नकारात्मक नहीं तो बहुत सकारात्मक भी नहीं। और उसके बाद हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आप जैसा कि तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से और कुछ और मेहमान हमारे साथ जो जुड़ गए हैं, प्रशासनिक अमले से हैं, शिक्षाविद हैं, तमाम ये लोग, इनसे हम जानेंगे अगले एक घंटे में कि दरअसल इनका नजरिया क्या है हमारे सर्वे पे और इनके खुद के नजरिए से इस पूरे एक साल के सरकार के कार्यकाल पे। बिल्कुल अतुल, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम रणबीर शर्मा साहब को बुलाएं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, कानून व्यवस्था के बारे में क्या राय इनके, ये हम जान लें। रणबीर जी, रणबीर जी क्या कहेंगे? रणबीर शर्मा साहब की बात करें तो देखिए, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था पर किस तरह से इनका आकलन है, इनका रिपोर्ट कार्ड कानून व्यवस्था पर क्या है? 10 में से 5 नंबर आप रणबीर जी दे रहे हैं, क्या कहेंगे साहब आप? क्यों 10 में से 5 नंबर? कानून व्यवस्था 10 में से 5 इसलिए देगी, बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं हमारे, चाहे मीडिया के थ्रू कह लो और चाहे लोगों की समस्याओं से संबंधित कह लो, कि उन चीज़ों को वो पूरा नहीं कर पाए जी, जो कि एक अपेक्षा थी खासकर पुलिस डिपार्टमेंट से जी। चाहे वो रामपाल कांड था, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था रामपाल का मामला, जो कि थोड़े से समय में उसको हल कर लेना चाहिए, उसका भी समय काफ़ी लंबा लग गया था जी। इसी प्रकार से चाहे हमारा गोहाणा कांड रहा है जी, गोहाणा कांड भी जो कि जिस प्रकार की व्यवस्था अब हमारे सामने आई, पहले चाहे वो सबसे पहले एक बहुत बड़ी घटना डकैती की हुई जी, जिसको भी सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग गया था जी, और इसी तरीके से अभी हमारे जो फरीदाबाद का सनबेड़ा वाला कांड आया, उसके बारे में भी जो सही तरीके से डीलिंग होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाया। यानी आप इसे 50-50 का आंकड़ा मानते हैं, अभी इसे बेहतर किया जा सकता है? बेहतर किया जा सकता है और भी बेहतर होना ही चाहिए, क्योंकि क्राइम प्रिवेंशन प्लस डिटेक्शन, या तो प्रिवेंशन करो, अगर प्रिवेंशन नहीं हो पाया तो फिर उसका डिटेक्शन बहुत जरूरी है। रणबीर जी, सुभाष जी के पास आऊंगे, उन्होंने 7 नंबर दिए थे सरकार को 10 में से। साहब ये बताइए, रणबीर जी कह रहे हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी, ये कह रहे हैं साहब 5 नंबर। देखिए सबसे बड़ी बात है, रणबीर जी फरीदाबाद में भी रह चुके हैं, फरीदाबाद में सबसे बड़ा और पूरे हरियाणा में जो बड़े ज़िले हैं, मैं बात करता हूं, चाहे करनाल हो, चाहे आपका गुड़गावा हो, चाहे आपका हिसार हो, जो कब्जों के काम चले हैं पिछली सरकारों के कार्यकाल में, या उससे पिछली, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा 10 साल वाली, उससे पहले की सरकार की भी बात कर रहा हूँ, जो वहाँ जो बंदर बांट चला करती थी उस पर निश्चित रूप से रोक लगी है, और मैं इसे बहुत बड़ी रोक लगी। आप क्या कहेंगे आप शर्मा जी? हाँ, ये बात सही है सुभाष जी की, कि भी इस चीज़ में रुकावट आई है, लेकिन उस रुकावट के साथ ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ी ठीक है रुकावट आई है, लेकिन जो कब्जों वाली बात भी नाजायज कब्जा किस बात के लिए हो जी? जब कानून व्यवस्था हमारी सही हो तो किस बात के लिए होनी चाहिए? होनी नहीं चाहिए, वो तो जीरो टॉलरेंस जब हमारी किस बात की, वो जीरो टॉलरेंस तभी होनी चाहिए ना, कि भी जब गलत काम क्यों हो। चलिए, लेकिन आप अपना स्थान ग्रहण करें
और अब हम आगे मंच पर बुलाएंगे सर्वदानंद आर्य साहब को, बड़े शिक्षाविद हैं, प्रदेश के वाइस चांसलर रह चुके हैं प्रदेश के विश्वविद्यालयों में। उनसे जानेंगे शिक्षा का हाल कि किस तरह का हाल शिक्षा का है। और आर्य साहब का रिपोर्ट कार्ड अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त है कि सर्वदानंद आर्य साहब कितने नंबर इस सरकार को दे रहे हैं। और आर्य साहब का रिपोर्ट कार्ड ये खुला, शिक्षा में 10 में से 6 नंबर। आर्य साहब 10 में से 6 नंबर यानी 50% से ज्यादा नंबर आप इस सरकार को दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मंच के माध्यम से आप सिर्फ एक संदेश सरकार को ही नहीं दे रहे, आप जनता को भी दे रहे जी। और जितने आपने यहाँ पर एक्सपर्ट्स बुलाए हैं वो अपने अपने तरीके से जी समस्या का समाधान बता रहे हैं, तो इससे बढ़िया कोई कार्य हो नहीं सकता जी। परंतु सरकारें एक बात भूल जाती हैं जी कि आज की जो सरकार है उसके अंदर कुछ मंत्री हैं जो आज से 15-20 साल पहले थे जी, वो शायद उसी मोड के अंदर घूम रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि मीडिया के माध्यम से जनता बहुत अधिक जागृत हो गई जी। यदि वो उस अपने मोड को बदल लें तो ये 6 की संख्या बढ़ सकती है जी। मैं इसलिए इनको कहता हूँ कि यदि वो कहते हैं कि साहब हर कोई ये आपको दोष देता मिलेगा कि साहब पिछली सरकार मेरे लिए कांटे बोके गई, तो पिछली सरकार आपके लिए कोई फूल तो बिखेर कर नहीं जाएगी जी। और यदि आप अपने आने वाली चुनौतियों को नहीं उनको टैकल कर सकते और उनको सफलतापूर्वक उन बाधाओं को पार नहीं करते तो आपको सरकार चलाने का कोई हक ही नहीं। तो ये बाधाओं की कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। यदि ये लोग कहते हैं कि साहब जो पिछले उन्होंने शिक्षक रखे थे, अतिथि शिक्षक थे, वो गलत रखे थे, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ये वर्डिक्ट है, ये बातें तो आती ही रहेंगी। परंतु फिर भी जिस तरीके से इन्होंने उस समस्या के ऊपर थोड़ा बहुत समाधान प्राप्त किया उसका, इसलिए मैंने इनको 10 में से 6। आर्य साहब, लेकिन बलवंत तक्षक जी ने अपने रिपोर्ट कार्ड में शिक्षा में 3 नंबर दिए थे बलवंत जी, और आर्य साहब 6 नंबर दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसे आप? आर्य साहब तो पहले कई विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर रहे हुए हैं जी, और नंबर दिए थे उन्होंने, ठीक ही दिए होंगे जी। मैं तो ये कहूंगा कि जब रामविलास शर्मा जी से 2 विभाग वापस लिए गए थे, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उनकी चली गई, फूड एंड सप्लाई विभाग दूसरे मंत्री को दे दिया गया, तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपसे ये विभाग क्यों लिए गए जी, तो उनका कहना था शिक्षा का कोई ग्राहक नहीं मिला वरना ये महकमा भी ले लिया जाता। तो आप समझ सकते हैं कि रामविलास जी कितने परेशान होंगे इस महकमे से जी, परेशान होंगे। रास बिहारी साहब ने भी कुछ ज्यादा अच्छे नंबर नहीं दिए थे। रास बिहारी जी, आपने शिक्षा में अगर बात करें तो आपकी जो मार्किंग थी 4 नंबर आपने दिए थे और आर्य साहब 6 नंबर दे रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि जैसे हमारे साथी बात कर रहे हैं कि अध्यापकों की बहुत कमी, 50,000 अध्यापक की कमी है जी, इससे बड़ा सवाल यह है कि जो राज्य की विश्वविद्यालय जो हैं राज्य के, वहाँ पर 22 चांसलर नहीं है जी, और ना उनकी तैयारी है जल्दी लाने की जी, और जो बड़े बड़े जो विश्वविद्यालयों में जो HOD के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं जी, ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं ये नहीं दिखाई दे रहा कि सरकार कुछ करने की तैयारी कर रही है जी। हम बड़ी बड़ी बातें करने के साथ अगर कहीं BC नहीं है, कहीं पर कोई अध्यापक नहीं है, जब हम उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे मान लें कि शिक्षा में बहुत परिवर्तन आने वाला है जी। अरे सब क्या कहेंगे आखिर में, हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जिन्होंने ज्यादा नंबर दिए थे, कम दिए थे, उनसे भी हमने आपको रूबरू करवाया। इनकी जो पत्रकारिता का इनका अपना महत्व है, मैं उसको सलाम करता हूं, परंतु सबसे पहले जो शिक्षा का प्रश्न है जी, मेरा अपना डोमेन है तो उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहूंगा जी। बात ये, मैंने अभी एक बात कही थी कि मैंने इनको फालतू नंबर इसलिए दिए जी कि जो इनके सामने संकट पैदा किया गया डेलिबरेटली, उस संकट को इन्होंने काबू किया जी। 3 विश्वविद्यालय थे किसी जमाने में, यही हरियाणा था, यही जिले थे, महेंद्रगढ़ से लेकर और पंचकुला तक हरियाणा वही था, कोई 1 इंच बड़ा नहीं जी। और तीनों विश्वविद्यालयों में, क्योंकि मुझे रहने का मौका मिला, तो तीनों विश्वविद्यालय अच्छी तरह से काम करते थे। श्रीमान जो पिछले सरकार वाले थे उन्होंने 12 विश्वविद्यालय बना दिए, और ये भी कहा उनका तो इरादा था कि हर ब्लॉक लेवल के ऊपर विश्वविद्यालय बना दो, क्योंकि खुद उनकी कभी हायर एजुकेशन में वो गए नहीं जी। मैं, मेरे सहपाठी रहे, मैं जानता हूँ किस तरह से पढ़ते थे जी। और यदि ऐसे व्यक्ति आप शिक्षा को हैंडल करेंगे जी, तो फिर वही जवाब मिलेगा जो अभी आप साहब कह रहे थे, मेरे भाई तक्षक जी कह रहे थे कि मंत्री जी ये कहते हैं शिक्षा का तो लेने वाला कोई है नहीं, तो मैं शिक्षा उनको ही दे देता। इन्होंने पिछली मुश्किल के ऊपर काबू किया, इसलिए इनको मैंने फालतू दिए। आप ये बताइए कि वहां पर वाइस चांसलर्स की पोस्ट खाली हैं, HOD की खाली हैं, उससे सरकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये जो निष्क्रियता है यही इनके 4 नंबर काट रही है। बिल्कुल, पवन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आर्या साहब आपने अपना पक्ष रखा, मैं चाहूंगा आप स्थान ग्रहण करें। अब हम आगे बुलाना चाहेंगे डॉक्टर एसपी यादव साहब को, पूर्व अध्यक्ष है आईएमए के, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार वो किस तरह की मार्किंग देते हैं, यादव साहब का रिपोर्ट कार्ड क्या है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एसपी यादव साहब पूर्व अध्यक्ष है आईएमए के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये नंबर दे रहे हैं 6 नंबर, क्या कहेंगे यादव साहब? 6 नंबर अच्छी मार्किंग कहूंगा, 50% से ज्यादा आपको लग रहा है हरियाणा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है? मैंने इस सरकार को 10 में से 6 नंबर स्पेसिफिकली दिए हैं जी, इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस गवर्नमेंट जी। मैं ये नहीं कहता कि हेल्थ में कमी नहीं, हेल्थ में इस वक्त भी बहुत ज्यादा जरूरत है जी। अगर इन टोटलिटी में देखा जाए देश को हेल्थ के हिसाब से जी, तो 2 या 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन क्योंकि जो पहले हालात थे, मैं इसमें हेल्थ मिनिस्टर को क्रेडिट देना चाहूँगा कि उसने दौरे लगा लगा के, लोगों को पकड़ पकड़ के, डॉक्टरों को कोट पहनवा के, डिसिप्लिन पे ला के, लोगों को दवाइयाँ मिलनी चाहिए, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। ऑन दी दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत सारी कमियाँ हैं जो मैं यहाँ उजागर करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे हरियाणा के अंदर आज भी कहीं भी ट्रांसप्लांट नहीं होता, बाईपास नहीं होता, एंजियोप्लास्टीज नहीं होती, और हम कहते हैं कि 20-21 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। क्यों नहीं हम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बढ़िया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए? हम कहते हैं कि इतने मेडिकल कॉलेज और बनाएंगे। मेवात मेडिकल कॉलेज तो MCI अप्रूव नहीं कर रही, मैं MCI का मेंबर भी हूँ आपके नॉलेज के लिए जी, हिंदुस्तान की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मैं इलेक्टेड मेंबर हूँ हरियाणा स्टेट की तरफ से। तो इसमें जब मेडिकल कॉलेज की इंस्पेक्शन होती है तो कभी वहाँ से कलानौर से, खानपुर से, कभी रोहतक से फैकल्टी भेजी जाती है। ये कहते हैं हम 20 और बनाएंगे जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वक्त आप अगर आप सरसा में इलाज करवाना चाहे, महेंद्रगढ़ में इलाज करना चाहिए, आपके पास कोई इलाज नहीं, आपको गुड़गांव आना पड़ेगा जी। लेकिन आपका कहना है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे, उन्होंने खुद एक बार ट्वीट किया था, गब्बर तक कहा था उन्होंने, तो यानी गब्बर से डरने लगे हैं? मैंने कंपैरिजन किया कि पहले जो हालात थे, जो सफाई नहीं थी, पानी ठीक नहीं था, लोग ड्रेस नहीं पहनते थे, टाइम पे नहीं आते थे, उसमें इंप्रूवमेंट हुई, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा जी। यशवीर जी से बात कर रहे हैं, यशवीर जी ने 5 नंबर दिए थे। यशवीर जी क्या कहेंगे आप यादव जी से? आप सहमत है यादव जी 6 नंबर दे रहे हैं अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें जी? देखिए यादव जी चूंकि खुद डॉक्टर हैं तो ये हमसे कहीं ज़्यादा पैनी नज़र से स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याओं को और उनकी जो सुधार उनको अच्छे से समझ सकते हैं जी। लेकिन मेरा ये जरूर कहना है कि ये ठीक है कि पानी वहाँ पे साफ नहीं था, वो हो सकता है साफ मिलने लगा हो, जिस तरह से वीर साहब ने खुद पानी की टंकियों पर चढ़ चढ़ के उनकी देखी है कि गंदगी है या नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरफ, जैसे डॉक्टर्स की कमी बड़ी भारी है जी, और दूसरा जो मुझे लगता है कि इक्विपमेंट्स की भी बड़ी भारी किल्लत है, और तीसरा मुझे लगता है कि अभी भी जिस तरह से प्रदेश भर में लगातार अगर आप देखेंगे कि दवाइयों की बड़ी भारी किल्लत है जी, तो मुझे लगता है कि सरकार को साफ पानी मुहैया कराने के साथ साथ, उनको कोट पहनाने के साथ साथ, स्टाफ को और टाइम पे और स्टाफ को लाने का प्रबंध करने के साथ साथ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत। देखिए मैंने बीच में एक सेंटेंस कहा, अगर हेल्थ को इन टोटलिटी में देखा जाए तो शायद 3 नंबर भी ना मिले जी। क्यों? हमारे पास कौन सी स्टेट में, कौन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर कोई हॉस्पिटल है जहां पर आप अपना बाईपास या ट्रांसप्लांट या कोई बड़ी सर्जरी करवा सके? कहीं भी नहीं है। छोड़ दीजिए गुड़गांव फरीदाबाद को, ये भी स्टेट के नहीं है, ये दोनों सारे के सारे प्राइवेट है। लेकिन जो पहले हालात चल रहे थे दवाइयों के, जहाँ तक बात है दवाइयों की, हालत पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी, अभी भी बहुत अच्छी। हम कहते जरूर है कि 482 दवाई हम दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वहाँ 482 दवाइयाँ नहीं है, नहीं मिलती हैं वहाँ पे। आई एग्री विद यू। ये कहते हैं हम डायलिसिस फैसिलिटी सरकार ने अपने प्रोग्राम में दिया है कि हमने डायलिसिस मशीन लगाई, सरकार की ड्यूटी है डायलिसिस मशीन लगाना, सरकार की ड्यूटी है पब्लिक को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। यादव जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया केवी पंडित साहब से ले लेते हैं, 6 नंबर दिए थे उन्होंने विद साहब को, पंडित जी बताइए। देखो यादव जी तो एक्सपर्ट हैं इस मामले के जी, लेकिन एक चीज़ निश्चित है, पिछली सरकार से और इस सरकार में विज के स्वास्थ्य मंत्री बनने से, अब उन्होंने टूर करके एक सोते हुआ समाज था, डॉक्टर समाज, उसको जगा दिया जी। इसलिए मैंने संक्षेप में क्या कहेंगे यादव जी आखिर में? संक्षेप में हम कहेंगे कि अगर इसको जो जगह हुए हैं इनको जगा के आगे बढ़ाना चाहिए जी। और हर डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटीज वो मिलनी चाहिए जो आप गुड़गांव फरीदाबाद में उम्मीद करते हैं आम जनता को मिलनी चाहिए, तभी ये नंबर बढ़ेंगे, नहीं नंबर ये घट के अगले साल या उससे अगले साल कम होते चले जाएंगे। इतना तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार आगे बढ़ेगी, ना कि यहीं पर रुकेगी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं आगे मंच पर आमंत्रित करूंगा डॉक्टर RK पन्नू साहब को, कृषि विशेषज्ञ हैं, उनसे हम जानेंगे उनका रिपोर्ट कार्ड। आप देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर RK पन्नू साहब का रिपोर्ट कार्ड है, कृषि विशेषज्ञ है।
पन्नू साहब का रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है आप देखिए। 10 में से 6 नंबर ये दे रहे हैं हरियाणा कृषि प्रधान राज्य और ओपी धनखड़ साहब का ये विभाग खासी चर्चा में, मुआवजे को लेकर, धनखड़ साहब की बयानबाजी को लेकर खासी चर्चा में ये विभाग इस साल रहा। पन्नू साहब 10 में से 6 नंबर यानी 50% से ऊपर क्या मार्किंग दे रहे हैं? 6 नंबर मैंने इसलिए दिए हैं जी कि कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा जी और 65% आबादी कृषि पर निर्भर है। इस सरकार ने जो सबसे अच्छा कार्य किया, कृषि कुदरत के ऊपर निर्भर करती है जी, रबी के मौसम में फरवरी और मार्च के महीने में 240 मिलीमीटर बारिश हुई जो कि एवरेज 60 मिलीमीटर होती थी जी। 4 गुना बारिश हुई, आंधियां चली, सारी फसल खराब हो गई। इस सरकार ने तत्परता दिखाते हुए 1 महीने के अंदर गिरदावरी करके 1,094 करोड़ रुपए का मुआवजा बांट दिया जी। किसान बड़ा पीड़ित था, दुखी था और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को और जो रिलीफ देने का काम किया, इस वजह से मैंने इस सरकार को 6 नंबर दी। और अगर अगर आप बात करें क्योंकि बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन किसानों के लिए कोई नई योजना, कोई नया आपको दिखाओ विजन सरकार ने दिखाया हो साहब? इसके साथ नया विजन का मैं ये भी कह रहा हूं, किसान सबसे बड़ा तबका, जैसे मैंने कहा 65% आबादी किसानी में ही लगी हुई है, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे अभी खरीफ के मौसम में अगस्त के महीने में 10% कम वर्षा हुई जी, जुलाई के महीने में सॉरी अगस्त के महीने में 40% वर्षा कम हुई, सितंबर के महीने में 0% बारिश हुई, बिल्कुल सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। इस सरकार ने अभी घोषणा की है कि हम गिरदावरी करा करके उनको भी मुआवजा देंगे जी। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं ऑप्टिमिस्ट होने के नाते कि कष्ट में जब किसान है तो ये किसान के प्रति सरकार सेंसिटिव है जी। पन्नू साहब यहां पर कोशिश कर रही है जी। उसके अलावा किसान बहुत ज्यादा समस्याओं में उलझा हुआ, जैसे मैंने बताया खेती कुदरत के ऊपर निर्भर करती है, उसके अलावा सरकार की हरेक स्टेप पे मदद की, इंटरवेंशन की जरूरत, एक वेलफेयर गवर्नमेंट की अपेक्षा की जाती है। पॉपुलर की खेती के बारे में देखिए, पिछले साल वहां पर 1400 रुपए का जो भाव था पॉपुलर का, वो 400 रुपए पे आ गया है जी। 1509 पूसा बासमती जो धान की किस्म थी, पिछले साल 2400 प्रति क्विंटल बिक रही थी, वो इस साल आकर के 1200 रुपए बिक रही थी। गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करके 1450 रुपए उसका रेट निश्चित किया है, यानी आपने कह रहे कि अच्छा प्रदर्शन सरकार उम्मीद किया है। लेकिन लेकिन सरकार को इसलिए 6 नंबर दिए। पन्नू साहब यहां पर हमारे साथ पत्रकारों का पैनल, अगर उस तरफ बात करें तो पता नहीं ये एक संयोग ही है, कादियान साहब ने 5 नंबर दिए हैं, पंडित जी ने 5 नंबर दिए, लेकिन 4 नंबर फिर से राज बिहारी साहब ने और बलवंत जी ने 4-4 नंबर यहां पर दिए। पन्नू साहब ने अपनी बात की, क्या कहेंगे आप, सहमत हैं? हालांकि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है और दे भी सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे? कृषि में जो कुछ हो रहा है वो हरियाणा की अपनी भौगोलिक स्थिति है जी। पिछली सरकारों ने भी काम किया, नहरें बनाई, पानी आया, लेकिन जब किसान तकलीफ में आता है, ये ठीक है कि मुआवजा बांट दिया, लेकिन मुआवजा जो नुकसान हुआ है उसके मुकाबले बहुत कम है जी। ये आमतौर पर हर किसान की शिकायत है जी। दूसरा ये है कि अभी आपने देखा कि पिछले साल भी जब सरकार बनी थी तब भी यूरिया खाद को लेकर बहुत मारामारी थी, अब भी किसान खाद के लिए तरस रहा है। कि एक साल में सरकार जब खाद की समस्या को नहीं कर पा रही है, बीज की कमी है, खाद नहीं है, पानी की किल्लत है, हर जो समझौते हैं केंद्र में आपकी सरकार है, पानी को लेकर जो समझौते होने चाहिए वो अभी वो नहीं हो पाए। इसलिए आपने कम तो ऐसे में सरकार काम करती नहीं दिखाई दे रही, काम करती है। ये तो हरियाणा के लोगों का अपना दम है जो वो इतनी फसल पैदा कर लेते हैं। बलवंत जी संक्षेप में। मैं तो यही कहूँगा, राज बिहारी जी की बात का समर्थन करूँगा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी तो हरियाणा के इतिहास में ये पहला मौका था जहाँ खाद थानों में बिकी है जी। और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिला जी। खुद चीफ मिनिस्टर जाके मंडी करनाल की मंडी में देख के आए, 1500 कुछ रुपए का चेक दिया जा रहा है, पैसा उनको कम मिल रहा है। इस पर रणदीप सुरजेवाला ने भी एक सवाल उठाया था कि ये पैसा जा कहाँ रहा है।
किसानों को उनकी उपज का अगर उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो लोग खेती से मुंह मोड़ने लगेंगे। बिल्कुल एक छोटा सा रिएक्शन सुभाष जी से, 7 नंबर इन्होंने कृषि में दिए थे, आप तो कृषि विशेषज्ञ से भी आगे बढ़ गए सुभाष जी। कि इन्होंने जो गिरदावरियां करी हैं वो इस पर बहुत जेन्युइन हुई हैं। पहले क्या होता था कि ये ऐसा नहीं होता था, और बागवानी के विभाग में, क्योंकि ये विशेषज्ञ खड़े हैं वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बागवानी में इस बार हरियाणा सरकार ने बहुत बेहतर काम किया, बहुत बेहतर नीतियां लाई हैं, और हमें उम्मीद करनी चाहिए, और इसलिए उनको इतने नंबर दिए गए। जी बिल्कुल, संक्षेप में पन्नू साहब आखिर में क्या कहेंगे, हमारे जो पत्रकार थे उनके पैनल से आपने बात की। पत्रकार साहिबान से पूरी तरह से सहमत हूं, करने की बहुत गुंजाइश है जी, बहुत कमियां हैं। मैं सहमत हूं, SYL का पानी आता तो पता नहीं कितनी पैदावार करे। हमारा हरियाणा का किसान इतना कर्मठ है कि वो कुछ भी कर सकता है, परंतु सरकार के लेवल पे जो थोड़ा था ये 6 नंबर क्यों मिले, 10 भी तो मिल सकते थे जी। कमियां बहुत हैं, पर प्रशंसा के तौर पे, क्योंकि एग्रीकल्चर में हथेड़ी पे सरसा मारी नहीं हो सकती, इस सरकार से भी हम 1 साल में कोई ज्यादा उम्मीद लगाने की करें, क्योंकि उसमें नीतियां बहुत लंबी बनानी पड़ती हैं जी उसको करने के लिए, और कमियां तो बहुत ही हैं जिनके अंदर सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल, कुछ एफर्ट्स जरूर हुए हैं, 1.5 लाख के करीब इन्होंने किसानों को जो फर्टिलिटी कार्ड इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उससे वो बहुत जरूरी है, किसानों को फायदा हुआ है ग्राउंड लेवल पे, परंतु कहीं कहीं अब जैसे घोषणाएं हो रही हैं कि बागवानी विश्वविद्यालय बनेगा, बहुत अच्छी बात है, विश्वविद्यालय बढ़िया, फोकस हो रहा है, आगे ग्रोथ एग्रीकल्चर में आनी है तो हॉर्टिकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री से ही आनी है, मोटी फसलों से ज्यादा आमदनी उम्मीद की नहीं की जा सकती। बिल्कुल, किसान की अगर रोजगार बढ़ाना है, किसान की आमदनी बढ़ानी है, तो हमें दूसरे क्षेत्रों को, इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को बिल्कुल साथ में जोड़ना होगा दूसरे क्षेत्र, परंतु उस लाइन पे कोई कार्य नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर वहां मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ, वक्त मेरे पास थोड़ा कम है, बाकी लोगों से भी बात करूं। आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन बड़ा सवाल है पानी की, बार बार बात होती है कि SYL का पानी भी लाना है जो एक बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये पानी बहुत आसानी से आ जाता है, हर चुनाव से पहले हर पार्टी के घोषणा पत्र में पानी आता है, लेकिन घोषणा पत्र से बाहर नहीं आ पाता, कब आएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल, इसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल पाया किसी से भी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर DR अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं। DR अग्रवाल साहब, मैं चाहूंगा आप मंच पर आए और आपसे भी जानेंगे कि आखिरकार किस तरह का रिपोर्ट कार्ड आप दे रहे हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से। डॉक्टर अग्रवाल साहब का अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त है, और अर्थव्यवस्था के लिहाज से 10 में से 5 नंबर। अग्रवाल साहब, ये 50-50 का मामला क्यों? 50-50 का मामला इसलिए है कि अभी दरअसल ये ऐसे मुख्यमंत्री थे पहली बार जिनको कोई बहुत अनुभव नहीं था। स्थिति यह है कि जब भी हम आर्थिक दृष्टि से विश्लेषण करते हैं तो GDP पर कैपिटा, GDP जॉब, 1 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना है, आया नहीं है जी, 4 लाख लोगों को जॉब मिलना है, अभी मिला नहीं है जी, 50,000 टीचर्स की भर्ती होनी है, अभी हुई नहीं है। क्वेश्चन यह है कि अभी स्थिति ऐसी है कि जहां पर जो आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना है वो इन्होंने रखी जी, अब उसके परिणाम कब आएंगे कैसे आएंगे उसको देखना है जी। फरवरी में एक ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होनी है, गुड़गांव में ही होनी है जी। मैं आपको ये भी बता दूं कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,33,000 से इस साल 1,47,000 होनी है, यानी 10% की ग्रोथ होनी है। जो कांस्टेंट प्राइस पे है वो 6.3% होनी है जी। अभी आंकड़े आने हैं जी। अग्रवाल साहब, अगर अर्थशास्त्र की भाषा आप बखूबी जानते हैं, लेकिन अगर आम आदमी की भाषा में बात की जाए, इस एक साल में कुछ हुआ या, क्योंकि अभी तक तो हम पॉलिटिकल बयानबाजी सुनते हैं, पिछली सरकार कहते थे हम नंबर वन थे, आपने नंबर वन से गिरा दिया, ऐसा है ये कहते हैं वो नंबर वन नहीं थे, मैं बयानबाजी नंबर वन और मैं राजनीतिज्ञ बातें करूंगा ही नहीं जी, ना मेरा इन बातों से अर्थ उन्होंने क्या किया, बिल्कुल वही जानना चाह रहे हैं। हमेशा ये कहना है कि आपने मुझे एक डॉक्टर साहब की बात बड़ी अच्छी लगी थी, आप खोल 50 चीज दे, अच्छी कितनी चला रहे हैं, अभी देखना है कि भाई कितनी अच्छी चलाएंगे जी, अगर अच्छी चला ली तो निश्चित रूप से। लेकिन एक कहावत ये भी तो कही जाती है, बुजुर्ग लोग कहते हैं, मतलब आप लोग कहते हैं कि अगर चावल को देखना तो बोरी में से 4 दाने उठाकर पता लग जाता क्वालिटी का, अभी चावल पकने तो दो जी।
जब पक जाएगा नहीं, आप तो कूकर में पके हुए चावल की बात, मतलब बोरी वाले चावल की बात कर रहा हूं। विश्वास करने वालों में से नहीं हूं, मेरा बहुत स्पष्ट मत रहता है जी। अच्छा देख रहे हैं, हाँ एक साल में मैंने कहा इनकी एक नियत है कि ऐसा लगता है कि करप्ट गवर्नमेंट नहीं है जी। इनकी नियत है बड़ी साफ लगती है, स्पष्ट लगती है। अब देखिए परिणाम, चलिए आपका कहना है कि हालात बेहतर हुए एक साल में, अच्छी इंडिकेशन, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है अर्थव्यवस्था में हरियाणा के लिहाज से। भी गए हैं 200 और लोगों के स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट को गए हैं तो ये बिल्कुल। अग्रवाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, अभी हमारे साथ और चार एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे अलग अलग क्षेत्रों के, और उसके बाद आखिर में महाचर्चा, एक छोटा सा सवाल हम पूछेंगे कि आखिरकार ये सरकार कैसी रहा है सरकार का एक साल का कार्यकाल। चार एक्सपर्ट से बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, प्रदेश की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है प्रदेश के नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। आज हम बात कर रहे हैं कैसा रहा प्रदेश सरकार का एक साल का कार्यकाल। वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, और साथ ही साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग विषयों के जो जानकार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश जारी है कि कैसा रहा एक साल का कार्यकाल। और अब बात करेंगे खेल की, और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा जगदीश सिंह जी को, जो कि कोच है और कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उन्होंने तराशा है। इनका रिपोर्ट कार्ड खेल के क्षेत्र में क्या है, क्योंकि इनके बाद बेहद अहम बेहद महत्वपूर्ण इनकी बात है। तो जगदीश सिंह जी का रिपोर्ट कार्ड आपके टेलीविजन स्क्रीन की अगर हम बात करें, अभी हमने दिखाया कि इन्होंने 10 में से 2 नंबर इन्होंने सरकार को दिए। और अगर बात करें कि देखिए खेल के क्षेत्र में क्या क्या करने की बात है, तो ये सरकार कह रही कि ये सब किया सरकार ने, सभी वर्गों के लिए बेहतर किया, खिलाड़ियों के लिए बीमा योजना शुरू की, सरकार ये दावे कर रही है। लेकिन जगदीश जी इन तमाम दावों से सहमत नहीं है, उनकी असहमति की वजह जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विजेताओं को पेंशन भी सरकार ने रखी अपनी खेल नीति में, ये तमाम बातें सरकार ने इस नई खेल नीति में दी है, कई नए अवार्ड्स की भी घोषणा सरकार ने की है। ये सब बातें सरकार ने की इस एक साल के कार्यकाल में। प्रदेश के हर गांव में व्यायामशाला भी खुलेगी। जगदीश जी ये हम सब आंकड़ा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपने 10 में से सिर्फ 2 नंबर, और हमारे साथ इस वक्त पैनल में ऐसे से तमाम हमारे सम्मानित जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी मौजूद हैं जिन्होंने खेल में 8 नंबर भी दिए हैं, 7 नंबर भी दिए हैं, 6 नंबर भी दिए हैं, ये 2 नंबर क्यों साहब? सरकार का ये दिखा रही है सरकार ये सब किया इन्होंने। बिल्कुल, मैं अपने पक्ष को रखना चाहता हूँ। बिल्कुल रखिए। जहाँ तक खेलों का मामला है, वर्तमान सरकार की जो उदासीन नीति खेलों के प्रति वो रही है, इसलिए मैंने जो 2 नंबर दिए हैं वो भी किसी काम के लिए नहीं दिए हैं। मैंने 2 नंबर जैसे उत्तर पुस्तिका होती है उसमें सफाई के लिए दिए हैं कि खेलों में कुछ किया ही नहीं। अच्छा, ये सफाई के नंबर? ये सफाई के हैं 2 नंबर, किसी कार्य के नहीं है जी। आप देखिए हमारी खेल नीति है, सबसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खेल नीति बनाई जी। उन्होंने उस खेल नीति में से सिर्फ 1% उसको लागू किया, वो भी क्या किया कि 2003 में एफ्रो एशियाई गेम हुए थे हैदराबाद में, उनके जो विजेता थे खाली उनको पुरस्कार दिया था नकद, गोल्ड वाले को 10 लाख दिया था, सिल्वर वाले को 7 और ब्रॉन्ज वाले को 5 जी। उन्होंने किसी खिलाड़ी को बढ़िया नौकरी नहीं दी, हाँ कुछ सिपाही हरियाणा पुलिस में जरूर भर्ती किए थे ठीक साहब, और उनकी नीति कागजों तक सीमित रही, वो लागू नहीं हुई धरातल पे ठीक। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, उन्होंने खेल नीति बनाई, और वर्तमान सरकार की नीति भी मेरे पास अभी मैं टेबल पर रखी है जी। जो नीति बनाई है जनवरी में मंत्री जी ने घोषित की थी उसमें से 1% भी लागू नहीं हुई है, खाली एक छोटा सा काम किया था जो पुरानी सरकार ने एशियाई खेलों के जो पदक विजेता थे उनको पुरस्कार देना था, वो पुरस्कार अभी पीछे काफ़ी देर के बाद जब खिलाड़ी जोर जोर से मीडिया में चिल्लाने लगे थे तब वो दिया है, और किसी भी तरह की कोई खेलों की कोई नई सुविधा हो कोई नया आयोजन हो ऐसा नहीं हुआ। खेल हमारी जितनी नर्सरियां हैं खेलों की वो सारी बंद, प्रदेश के हर गांव में व्यायामशाला ये तमाम हाँ, बातें वो खुली हैं, वो खुली हैं इस किताब में कागजों में, धरातल पे कोई व्यायामशाला नहीं खुली, धरातल के ऊपर किसी खिलाड़ी को कोई वजीफा नहीं मिला, जितनी हमारी पहले की नर्सरी थी खेलों की आज वो बंद पड़ी हैं, हमारी जितनी भी पहले की विंग थी स्पोर्ट्स की वो आज बंद पड़ी हैं, हमारे जो हॉस्टल थे स्टेट गवर्नमेंट के वो आज की तारीख तक बंद हैं, और जो हमारे खिलाड़ी नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में एशियाई खेलों को छोड़ के जो पदक लेके आए थे सरकार की नीति में है उनको पुरस्कार मिलेगा, आज तक उनको पुरस्कार नहीं दिया गया, कहा कि सरकार के पास उनको पुरस्कार देने के लिए पैसा तो है लेकिन समय नहीं है कि कब वो डेट आएगी वो दिया जाएगा। तो जो
नीति बनाई है उन्होंने कागजों में वो है, वो पहले भी थी, लेकिन धरातल पे नहीं। आपने कई खिलाड़ियों को तराशा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मेरा दर्द नहीं है ये, पूरे सभी खिलाड़ियों का दर्द है, ये दर्द मेरा अकेले का नहीं है, पूरे हरियाणा के जो सैकड़ों हजारों खिलाड़ी हैं उन सभी का दर्द है। किसी खिलाड़ी को नौकरी नहीं दी, अब हरियाणा पुलिस के लिए कांस्टेबल की भर्ती निकली है, खेलों के लिए कोई अलग से उसमें प्रावधान नहीं है, सब इंस्पेक्टर की भर्तियां निकली हैं, पिछली सरकार ने कहा था कि 3% या 6% खिलाड़ियों के लिए अलग से कोटा निर्धारित होगा, इस एडवर्टाइजमेंट में कोई कोटा नहीं है, तो हम कैसे मान लें इसको, कागजों तक सीमित है वर्तमान सरकार की नीति। यशवीर जी से बात करते हैं, इन्होंने 5 नंबर दिए थे, इन्होंने 5 नंबर क्यों दिए, यशवीर जी आपने 5 नंबर दिए थे और जगदीश जी का कहना है 2 नंबर इन्होंने दिए, और वो भी उन्होंने कहा कि सुलेख के जिसे कहते हैं हम। मैं ये कह रहा हूँ ये तो इन्होंने जिस हिसाब से इन्होंने पक्ष रखा, मुझे लगता है कि काफी उदारता से इन्होंने ये 2 नंबर दे दिए हैं, एक तरह से तो 0 ही नंबर दिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये सफाई के नंबर हैं, तो इसका मतलब अगर हम निचोड़ निकालें तो इसका मतलब ये होगा कि 10 में से 0 अंक जगदीश जी ने दिया है। देखिए कि जगदीश जी जो है एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कई खिलाड़ियों को तराशा है और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे नाम रोशन किया है और यहाँ तक कि ओलंपिक खेलों में भी वो मेडल लेके आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक्सपर्ट हैं और इनका जो नज़रिया है हमसे अलग है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने जो एक बात की, पहली बात तो ये कि हरियाणा सरकार ने सबसे पहले अगर कोई नीति वो लेके आए तो खेल नीति लेके आए, नंबर वन, एक वजह ये थी। दूसरा ये था कि खिलाड़ियों को जो पुरस्कार देने का जो मामला है, चाहे वो पिछली सरकार का था या जिसका भी था, चाहे कारण जो भी रहे, हरियाणा सरकार ने उनको पुरस्कार तो दिया, उनको करोड़ों रुपये पुरस्कार में तो दे दिए, नहीं तो जिस तरह से जगदीश जी गिना रहे हैं कि ये चीजें नहीं हुई, तो एक ये भी जुड़ जाता कि ये काम भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है कि हरियाणा में जिस तरह से खेलों में काम होना चाहिए था वो अभी नहीं हुआ, जैसे कि इन्होंने कहा कि व्यायामशाला खुलनी चाहिए, अब हो सकता है कि वो ना खुली हो, लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि हरियाणा सरकार की इंटेंशन ये है कि हम सिर्फ इसको कागजों में ही लागू करेंगे, ग्राउंड पे लागू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो ग्राउंड पे लागू नहीं हुई तो कल को खिलाड़ी उनसे सरकार से जवाब तलबी भी करेंगे कि साहब आपने नीतियों की घोषणा की थी, अब बताइए व्यायामशाला है कहाँ। जी रोहित, बिल्कुल, ये पंडित जी से भी एक छोटा सा सवाल, के वी पंडित साहब ने, जगदीश जी इन्होंने 7 नंबर दिए हैं, आपने 2 नंबर दिए, पंडित जी 7 नंबर और जगदीश जी 2 नंबर दे रहे हैं, संक्षेप में अपने बात की। जी देखो, जगदीश जी जो कह रहे हैं जी वो एक एक्सपर्ट के नाते कह रहे हैं, एक्सपर्ट हैं वो खेल के जी, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि सरकार ने खेल नीति बनाई जी और उसके लिए काम हुआ। अब नई सरकार में जो के खंडेलवाल है, जिनके पास ही इंचार्ज है, वो इस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है खेल के इंचार्ज, उन्होंने सबका कंप्यूटराइजेशन किया, कौन कोच क्या काम करेगा, कितने खिलाड़ी हैं, जिनको वजीफा मिल रहा है, आया वो पूरा साल प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं, इसका फायदा हुआ कंप्यूटराइजेशन और तमाम चीज़ें जो पंडित जी कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर में फाइलें पड़ी हैं, नाम पड़े हैं, फायदा तो तब होगा, जैसे पीछे एक स्कीम थी पिछली सरकार की, स्पैट उसका नाम दिया गया था कि हम 8 साल से 14 साल के बच्चों को, प्रतिभावान बच्चों को हम चुनेंगे कुछ टेस्ट के माध्यम से, 5,000 बच्चे हर साल चुने जाते थे, उनको सरकार 1500 से लेकर 2,000 रुपये हर महीना वजीफा देती थी। इस सरकार ने उसका नाम स्पैट से बदल के स्पीड कर दिया, फ़र्क ये हुआ कि वो पैसे आते थे वो बंद हैं, आज तक पैसे आए नहीं उनके अकाउंट में बच्चों को, न उनकी कोई रेगुलर ट्रेनिंग की कोई फैसिलिटी कहीं दी गई है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो कागजों में स्कीमें हैं, कागजों में पॉलिसी है, वो धरातल पे इंप्लीमेंट नहीं हुई है। बिल्कुल संक्षेप में, रास बिहारी जी आपने 3 नंबर दिए हैं, जगदीश जी के आसपास इन्होंने 2, आपने 3 नंबर दिए, बिल्कुल संक्षेप में मैं चाहूँगा आपका। जगदीश जी की हर बात से पूरी तरह सहमत हूँ जी। कारण ये है कि हरियाणा में जो भी खिलाड़ी अभी तक निकले हैं, चाहे राष्ट्रीय लेवल पर निकले हैं चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर निकले, वो अपने दम पर निकले हैं जी, उनमें सरकारों का कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है जी। जो खिलाड़ी पदक जीत के आते हैं उनको आप इनाम देते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्योंकि हर कोई मुकद्दर का सिकंदर नहीं बन सकता जी। लेकिन जब हम बहुत खेल नीति बनाते हैं तो खेल नीति इसलिए बनाते हैं कि हरियाणा के बच्चे खेल को कैरियर बनाएं जी, और जब हम खेल को कैरियर बनाने की बात करते हैं तो पूरी खेल नीति उसमें हमें बहुत कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देती जी, क्योंकि उसमें वो बारी क्या नहीं अपने है? अपने दम पर आगे बढ़ना, अपना पैसा खर्च करना जी, क्योंकि जो खिलाड़ी चाहिए, जो अगर आपको पहलवान बनाना है, पहलवान को एक दिन में तो बन नहीं जाएगा, उसके लिए नीति होनी चाहिए, भाई हम पहलवान बनाएंगे तो हम उनका इतना खर्चा देंगे, इतना वो डेप्थ, वो गहराई इस नीति में आपको नहीं। जगदीश जी बिल्कुल आखिर में, संक्षेप में, वक्त हमारे पास कम है, बाकी मेहमान भी, मैं चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे आप प्रदेश के स्वास्थ्य खेल मंत्री से। मैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस प्रदेश का इस बात को कहता हूं कि हम आपकी बात जरूर रखेंगे, बिल्कुल अक्षर से आपकी बात रखेंगे, ताकि स्वास्थ्य मंत्री साहब अगर इस वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हो तो आपकी बात सुनिए, अगर नहीं भी देख रहे हो तब भी आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे।
मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? जो हमारी सरकार ने जो किया, जो लिखा है इसमें अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी में, उसको धरातल पे लागू करें। लागू नहीं हुई है इसको, बस इतना ही कहना है। आपका कहना है मंशा ठीक है, सरकार की नीति ठीक है, अभी धरातल पर मंशा के बारे में मैं नहीं कह सकता। मंशा के बारे में इसलिए नहीं कहता कि ये नीतियां बहुत लोगों ने बनाई है इस देश में। आपका कहना है जमीन पर उतरे, नीति की नहीं नीयत की जरूरत है, सही नीयत से इसको लागू कर दें, यही मेरा संदेश। सरकार तो कह रही है अभी एडवर्टाइजमेंट में कथनी कर रही है कि एडवर्टाइजमेंट झूठी है और सरकार का, जनता का जो पैसा है वो बर्बाद किया जा रहा है। चलिए, आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी जगदीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए। मनोज त्यागी साहब को बुलाना चाहूंगा, उद्यमी है, प्रदेश सरकार की नई उद्योग नीति भी आई, उनसे जानते हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है। मनोज त्यागी साहब का रिपोर्ट कार्ड आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, देखते हैं कितने नंबर इन्होंने मौजूदा सरकार को दिए हैं और उद्योग में 10 में से 4 नंबर। मनोज साहब क्या बात है, 4 नंबर नई उद्योग नीति लेकर आए, प्रदेश दौरे भी हुए, MOU साइन हुए, क्यों 4 नंबर आपने? मेरे जो 4 नंबर दिए हैं, आप पिछले 1 साल का आपने रिपोर्ट कार्ड मांगा है। इस सरकार की मंशा अच्छी है, ईमानदार सरकार है और मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी मिनी मोदी कहे जाते हैं, मोदी जी के मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैंने नंबर कम देने का कारण क्या है कि जो पिछली 1 साल में जो इंडस्ट्री के लिए होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। रीज़न, पॉलिसी आई, हरियाणा की नीति बनाई गई, वो कुछ ही 1 महीने पहले आई है, लगभग 1 साल ख़त्म हो गया है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको आने में समय लगेगा। अभी 16 तारीख को हमारी स्टेट मैनेजमेंट प्रोसीजर, जो इंडस्ट्री का मेन पार्ट होता है, जो इंडस्ट्री को डायरेक्ट इफेक्ट करता है, वो अभी इसी 16 तारीख को 5 दिन पहले ही आया है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें अच्छी रखी गई हैं। सरकार की नीति अच्छी है, उसमें बहुत कुछ किया गया इंडस्ट्री के लिए, बहुत कुछ करने की अभी संभावना है, गुंजाइश भी है। हम लोगों से सुझाव भी लिए थे, कुछ सुझाव उन्होंने माने हैं, कुछ सुझाव अभी नहीं माने, तो सरकार का मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि सरकार के द्वार खुले हुए हैं, अगर कोई सजेशन आएगा तो उसको दोबारा कंसीडर किया जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर में अगर आप मेरे से सवाल करेंगे तो हो सकता है जो 6 नंबर मेरे बैलेंस रह रहे हैं तो मैं 10 में से 16 दे दूँ। जी, यानी आप काफी उम्मीद है आपको मेरा साल एक है। साल एक साल के अंदर अभी तक जो आपका कहने कि एक साल में खाका तैयार हुआ और अगले साल में थोड़ा सरकार की धीमी गति जरूर रही, लेकिन जो नई पॉलिसी में कोशिश जरूर करी है सरकार ने, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। एक तो जो स्टेट मैनेजमेंट प्रोसीजर जो डायरेक्ट इफेक्ट करता है इंडस्ट्री को, जो HSIDC के हमारे MD हैं, तो मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसी पॉलिसी बनाई है कि इन्वेस्टर की एंट्री इंडस्ट्री में रुक जाएगी। अभी तक इंडस्ट्री को नुकसान क्या हो रहा था कि एक्चुअल यूज़र नहीं आ पा रहे थे, जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहा था एक्चुअल में, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उसको प्लॉट नहीं मिलते थे, प्लॉट ले जाते थे पॉलिटिकल लोग और अप्रोच लोग। जी, अभी उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है कि आपको प्लॉट अप्लाई करने के लिए एक क्राइटेरिया होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, वोमेंस इंटरप्रेनर्स है तो उसको इतने नंबर मिलेंगे, हर चीज़ की एक मार्किंग रखी गई है और उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया कि 40% आपके अगर मार्क्स होंगे तभी आप एलिजिबल हो प्लॉट अप्लाई करने के लिए। आपका कहना है कि बेहतर हालात। सेकेंड, इसके अलावा आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है, ऑनलाइन ही आपको प्लॉट की बिडिंग करनी है, तो उससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है वो एंट्री नहीं कर पाएगा, एक्चुअल यूजर ही इंडस्ट्री में आएगा। जी, पहली बात। जी, दूसरी बात, कई लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं लेकिन उसको प्लॉट आज अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट के पास अभी स्कीम्स है नहीं, तो वो जाए अगर किसी से परचेज करना चाहे रीसेल में, तो पहले खाली प्लॉट ट्रांसफर नहीं होते थे, तो इस बार खाली प्लॉटों को भी उन्होंने ट्रांसफर किया, फीस जरूर ज्यादा ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कोशिश सरकार ने की है, सरकार की मंशा अच्छी है, सरकार की नीयत अच्छी है, नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, अगले एक साल में ये चीजें धरातल पर आएंगी। दूसरी सब माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास बहुत कम है, एक रोहित छोटे संक्षेप में और कहना चाहूंगा कि हरियाणा और पूरे देश की अर्थव्यवस्था जरूर खराब है और इसको उभारने का एक ही जरिया है कि इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। एज प्रेजेंट हरियाणा के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें 50-60% प्लॉट खाली पड़े हैं, तो हमें नई पॉलिसी इसको कि हम नए इन्वेस्टर को लेके आए तो उससे ज्यादा अच्छा है पहले जो हमारी एग्जिस्टिंग है हम उसको संभाले, उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव किया जाए, वर्कर्स को सुविधाएं दिया जाए, जो स्पेक्टर आ जाए उसको कंट्रोल किया जाए, जो हमें पूरी संभावना है कि सरकार से मुख्यमंत्री साहब को काफी उम्मीद है, उद्योग जगत को त्यागी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पक्ष रखा, मैं चाहूंगा आप अपना स्थान ग्रहण करें। SP गुप्ता साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा, पूर्व IAS अधिकारी हैं, एक लंबा तजुर्बा इनका प्रशासन में, प्रशासनिक अनुभव, इनसे जानेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था में गुप्ता साहब कितने नंबर देते हैं। वही SP गुप्ता साहब का रिपोर्ट कार्ड भी देख लेते हैं,
कि कितने नंबर एसपी गुप्ता साहब दे रहे हैं सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था में। 10 में से 7 नंबर यहां पर दे रहे हैं गुप्ता साहब, ये यानी 50% से डिस्टिंक्शन के आसपास का मामला समझा है गुप्ता साहब, 10 में से 7 नंबर क्या वजह है हमारे? देखिए शासन में जो है ना नियत जैसे आपने कहा और सोच दोनों काउंट करती हैं जी। हरियाणा सरकार जब से आई है जी इन्होंने जितने अच्छे कार्य जो हैं जो चाहते थे, नियत इनकी अच्छी, हर काम में नियत अच्छी है जी, और उसमें अफसरशाही का बहुत बड़ा रोल होता है जी, और परसेप्शन जैसे आज बड़ा भी अफसरशाही हावी है, जैसे आपने भी कई बार कहा, मेरा मानना है अफसर तो वही रहते हैं जी, सरकार अगर काम जो अफसर देखते हैं भी कैसे काम करना है उसी हिसाब से काम करते हैं सभी ऑफिसर्स जी, तो इसमें सरकार ने जो काम करने की इच्छा है उस हिसाब से सभी काम हो रहे हैं यहाँ पर। बस सबसे बड़ी कमी जो मैं 3 नंबर भी इसलिए जो काटे हैं इसमें, देखिए इतनी अच्छी नीयत होते हुए, इतना अच्छा स्टेप लेते हुए परसेप्शन पब्लिक में ये बनती जा रही है भाई जो है ये अफसरशाही हावी है और प्रशासन में काम नहीं हो रहा जी। मैं समझता हूँ उसका मुख्य कारण केवल एक यही है, जो दृढ़ता फर्मनेस प्रशासन में आनी चाहिए जी, जिसका मैसेज जाना चाहिए, रिस्पॉन्स अच्छा क्विक होना चाहिए जी, वो नहीं है जी। जैसे आपने मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दूंगा, फरीदाबाद में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हुई जी, आपने भी चैनल पे दिखाया, और भी बहुत सी जगह ऐसी आई है, तो उस पर तुरंत अगर एक्शन लिया जाता तो उसका मैसेज ठीक जाता। तो प्रशासन में सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है एक तो शीघ्र निर्णय लिए जाएं, वो जरूरी है, और दूसरा फर्मनेस होनी चाहिए जी, मतलब अनुशासन, ऐसा ऑफिसर्स को ये मैसेज आए भाई अगर सरकार में हम नीतियों को लागू नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल है काम करना जी, ये मैसेज आना चाहिए उनके। बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटा सा रिएक्शन मैं यहाँ पर रास बिहारी साहब का लेना चाहूँगा, 2 नंबर आपने दिए साहब गुप्ता जी, 7 दे रहे आप, 2 दे रहे हैं, बिल्कुल संक्षेप में रास बिहारी साहब। देखिए हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था पूरे 1 साल में ठप पड़ी है जी, कारण यह जितनी घोषणा की गई, मैं खुद एक मामले में लेके मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने कहा आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, आपके पास SMS आएगा, इस बात को 8 महीने हो गए जी, ना फोन आया ना SMS आया। अगर शिकायतों पे यही होना है, और खुद मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि आपको SMS आएगा, और मुख्यमंत्री की बात ही अगर नीचे तक नहीं कोई उसको लागू कर रहा है, इसका प्रशासनिक व्यवस्था ठप, प्रशासनिक व्यवस्था ठप। आपने साहब 7 नंबर दिए थे सुभाष जी, संक्षेप में सुभाष। हाँ, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि सरकार की नीयत ठीक है, दूध का भी अगर दही जमाना हो तो 8 घंटे चाहिए उसके लिए, तो इस सरकार को काम करने दें, नीयत उसकी ठीक है। चलिए, तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। गुप्ता साहब आखिर में संक्षेप में किस तरह से कंक्लूड करेंगे, क्या कहेंगे आप? आपने जो वरिष्ठ पत्रकार थे हमारा, उनकी राय भी जानी, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, मैं मेरा मानना ये है सरकार जिस ढंग से कार्य कर रही है और जो इनको विरासत में मिला, देखिए पहले क्या था सारे में जो प्रशासन क्या थी भाई, स्कैम हो रहे इतने बड़े, आप CLUs में देख लिए, लैंड रिलीज में देखिए कितने बड़े स्कैम थे। आज सरकार का एक क्रेडिटेबल है, देखिए आज वो इमेज नहीं, ईमानदारी का इमेज है, काम करना चाहते हैं, नियत का सबको पता है जी, और उसके लिए जरूर एक मैं समझता हूँ कमी जो है सबसे बड़ी जी, तो बड़ा अटपटा लगेगा जो हमारे मंत्री हैं या जो वरिष्ठ जो लोग हैं वो अपनी अगर शब्दावली पर मर्यादा रखें जी, मतलब विपक्ष को हथियार जो देते हैं बारूद वही देते हैं लोग, गोला बारूद वही देते हैं, वो अगर कंट्रोल कर लें, मैं समझता हूँ ये सरकार बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है, बड़ी डिपेंडेंट काम कर रहे जी। गुप्ता साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपना पक्ष रखने के लिए। मैं आखिर में सर्वेश कुमार तिवारी साहब को बुलाऊंगा, समाज सेवी है, इनसे जानेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके अलावा भी कई तरह के सामाजिक अभियान सरकार ने चलाया, साहब किस तरह से देखते हैं? मैं 4 चीजें कहूंगा। सबसे पहले लोगों ने नियत और नीति की बात करी, मेरे हिसाब से नियत नीति से ज्यादा निर्णय और क्रियान्वयन महत्व रखते हैं जी, और निर्णय और क्रियान्वयन की बात करें तो सरकार को मैं 5 में 10 में 5 इसीलिए दिया हूँ कि अभी जो नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, पर साथ साथ अगर राज्य चलाना है तो हम उन परिंदों को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे को ऐसे सक्षम लोग चाहिए जो सरकार को चला पाएँ, लोगों के बारे में सोच पाएँ और निर्णय ले पाएँ और क्रियान्वयन करें। पुरानी फाइलों को बंद करने से काम नहीं बनता है, इस सरकार ने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जो ऑलरेडी चल रही योजनाओं को ठप करने में पहला काम किया, उसके बाद 3 राम ने इनका काम तमाम किया, 1 रामपाल से शुरू हुआ, फिर रामदेव आए, फिर राम रहीम आ गए जी, तो इन तीनों ने भी इनको काफ़ी मदद करी। अब क्या स्वास्थ्य मंत्री सरकार के स्वास्थ्य को बिगाड़ने में लगे हुए हैं,
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसमें देखने की अच्छी चीज़ें मैं दो तीन जरूर गिनाना चाहूँगा, जैसे महिलाओं के लिए 21 पुलिस स्टेशन बनाए गए, अच्छी चीज़ है। गुड़गांव जैसे बड़े शहर में आज एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, इलेक्शन विश्वविद्यालय के नाम पे लड़े गए वहाँ के जो मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने उनका पहला एजेंडा था ये वहाँ के जो एमपी। कुल मिलाकर आपने चार नंबर दिया और आपका उम्मीदें अभी बहुत है इस सरकार से, कुल मिलाकर मैंने वैसे पांच दिया था, पता नहीं चार कैसे आया, बट मैंने पांच दिए थे और उम्मीदें तो हमेशा रहती है क्योंकि हम लोग तो जनता है, उम्मीदें हमेशा रहती है। सर्वेश जी माफी चाहूंगा, वक्त कम है, एक फाइनल रिएक्शन में सब लोगों का ले लूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। राजबिहारी साहब बिल्कुल संक्षेप में, कैसा प्रदर्शन सरकार का एक साल में, औसत, बेहतरीन, अच्छा, खराब? मैं केवल प्रशासन व्यवस्था बात करता हूं। एक अफसर जो हुड्डा सरकार में किसी के कारनामे खोलता है उसको ये सरकार भी खुडे लाइन लगा देती है जी। वो अपने डिपार्टमेंट में कुछ बढ़िया काम करने की कोशिश करते हैं, वो डिपार्टमेंट छीनने जाता है उनसे जी। और जो उस वक्त रॉबर्ट वड्रा को क्लीन चिट देते हैं वो इस सरकार में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं। तो ये पूरे प्रशासन का एक ढांचा बता देता है कि सरकार किस तरफ जाने वाली है जी। बलवंत जी बिल्कुल संक्षेप, एक फाइनल कमेंट। सो है ना, निराशाजनक है ना उत्साह, अभी उम्मीदें है, उम्मीदें बाकी साहब। एक साल में 13 प्रशासनिक फेरबदल है, कारण क्या है कि वो अच्छे लोगों को तलाश रहे हैं, फिर भी अच्छा कार्य है जी। बस इच्छाएं बहुत है, आकांक्षाएं बहुत है सरकार की, उसको पूरा करें। जगदीश जी आप बताइए, साहब दो नंबर दिए थे, आप तो ये नंबर बढ़ेंगे उम्मीद है। सरकार अनुभवहीन है, इसमें काफी सुधार की जरूरत है अपने प्रशासन। लेकिन कोई ना कोई कभी ना कभी तो काम की शुरुआत करता ही है। हाँ चलो ठीक है, करेंगे तो आगे उम्मीद है अच्छा करेंगे, चार साल है अभी इनके लिए करने जी। आर्य साहब देखिए, आपने ये क्यों नहीं लिखा रामविलास सरकार, नरबीर सरकार, ये तो आपने नहीं लिखा, मनोहर सरकार लिखा जी बिल्कुल। तो स्पष्ट ये है हरियाणा की जनता मनोहर सरकार चाहती है जी। और मंत्री कैसे भी काम करते रहे, मुख्यमंत्री को ये दायित्व अपने सिर पर लेना होगा, असफलता का भी सफलता का भी। और मैं समझता हूँ कि आने वाले साल में अब ये बहाने भी नहीं चलेंगे कि मुझे अनुभव नहीं था या फलाना नहीं था, दिंगड़ा नहीं था, काम करेंगे, ईमानदार आदमी है। और हम उम्मीद करते हैं कि पांच से या कम से कम 10 में से 10 लेंगे। चलिए पांच में से 10 में से 10। डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है? हेल्थ को आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरत है, बहुत कुछ करना चाहिए, नहीं आने वाले वक्त में आम जनता का बहुत बुरा हाल होगा। बहुत बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, उम्मीदें बहुत है एक साल में। यशवीर जी के पास चलेंगे, यशवीर जी संक्षेप में क्या कहेंगे आखिर में? रोहित जी मेरा तो यही कहना है, जो राज बिहारी बोस साहब जो मुख्यमंत्री जी से मिले जिस मामले के लिए, वो मामला सुलटे ना सुलटे कम से कम उनको SMS जरूर आ जाए जी, ये एक साल में जरूर हो जाए जी। आपका क्या कहना है? मैं इसमें यही कहूँगा रोहित भाई कि लोगों को बहुत सारी उम्मीद है इस सरकार से जी, और उन उम्मीदों पे ये खरे क्यों नहीं उतरे उसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि भी इनको जो सेंट्रलाइज कर दिया ना इन्होंने सिस्टम को जी, उसको डिसेंट्रलाइज करें। नंबर दो, इनका जो ट्रेनिंग पार्ट है वो सही नहीं हो रहा, उस ट्रेनिंग पार्ट को हर महकमे में सही करें। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। अगर सेंट्रलाइज करेंगे उतने ही वो काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे, और वही फिर अफसरों की सिस्टम आ जाता है जी। तो अपने मंत्रियों पे भरोसा करें, उनको काम करने दें, अपने अफसरों पे भरोसा करें, उन्हें काम करने दें, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस रखेंगे उतना ही बढ़िया सरकार आगे काम। पंडित जी आप बताइए, आपके तो विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो ठीक है जी, लेकिन जो मंत्रियों के साथ उनका कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल नहीं है। वो बेहतर करें एक साल में, वो बेहतर करें एक चीज। दूसरे, वो जो घोषणा कर रहे हैं उनको इस बात पर लगातार नजर रखनी चाहिए कि वो घोषणाएं लागू हो रही हैं, क्वालिटी कंट्रोल के साथ हो रही है कि नहीं हो रही जी। रोहित जी देखिए, पब्लिक को इस सरकार से बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं जी। और एक साल का समय मैं समझता हूँ अभी बहुत कम है। जिस तरह से ऊपर स्टेप लिए जा रहे हैं टॉप लेवल पे, नीचे धरातल पर आने का उनके समय लगेगा, और ये सरकार उस पर उम्मीदों से भरी सरकार, उम्मीद से भरी हुई सब। संक्षेप में, खेती और किसानी बहुत बड़े संकट से गुजर रही है, इस सरकार को कुछ विशेष कदम उठाने पड़ेंगे अगर राज्य को आगे बढ़ाना है तो जी। पर वो ऐसा लगता नहीं कि तवज्जो दी जा रही है, चाहे पानी का मामला है, चाहे नए नए इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्टार्ट करने का बात है, चाहे मैकेनाइजेशन की, बड़े कदम उठाने की जरूरत, बड़े कदम उठाने की जरूरत। गुप्ता जी, साहब मैंने जैसे कहा नीयत बहुत अच्छी सरकार की, बड़ा अच्छा काम कर रही है, जो घोषणाएं करती है जी बस उसके एनफोर्समेंट हो जी, 10 के 10 नंबर आ जाएंगे जी। चलिए घोषणाओं पर अमल हो। मेरा ये कहना है, हरियाणा संभावनाओं और सफलताओं का प्रदेश रहा है, यहाँ कृषि और उद्योग के बीच में समन्वय होना चाहिए, तभी संतुलित विकास होगा। और अपेक्षा यही है कि इस सरकार से, क्योंकि करप्शन फ्री सरकार है, तो हम बहुत सारी अपेक्षाएं लगाए हुए हैं, निश्चित रूप से ये भविष्य में पूरी होनी ही चाहिए।
बिल्कुल, तो तमाम एक्सपर्ट हरियाणा के हमारे साथ यहां पर मौजूद थे, वरिष्ठ पत्रकार और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए बड़ी हस्तियां जिनका अपना अपना नाम है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक मकाम हासिल किया है, उन सब ने अपनी बात कही हरियाणा सरकार को लेकर क्या वो एक साल में सोचते हैं। अभी तक इस पूरी चर्चा में ये कहें कि लगभग सब लोगों ने कहा मुख्यमंत्री की मंशा पर कोई शक नहीं है, मुख्यमंत्री भले आदमी है तो ये तो जरूर लगा है, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अभी उम्मीदें हैं, एक साल खत्म हो गया, चार साल बाकी हैं। पूरे प्रदेश की जनता यही चाहती है कि जो घोषणाएं हो, जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे हो, जो घोषणाएं की जा रही है उन पर अमल हो, ताकि और जो बातें कही जा रही है हरियाणा एक हरियाणवी एक सचमुच ऐसा हो, ऐसा विकास हो, हरियाणा विकास करे, तेजी से विकास करे, इस उम्मीद के साथ एक साल का आज ये रिपोर्ट कार्ड सामने रखा। अगले साल का रिपोर्ट कार्ड इससे बेहतर हो, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड सरकार का बेहतर होगा तो बेहतर हरियाणा बनेगा। हमारे इस खास पेशकश में इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं विधि द्वारा थैंक यू सर भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।